in the year 2008, when I was learning the graphology, there I wanted to take this graphology as a professional thing. So I went to my master and I spoke about this feeling of doing something in the field of graphology and having the knowledge of it. Okay. So what my master said, do you have something of your own? क्या तुम्हारे खुद के पास खुद का कुछ है? Do you have some knowledge of your own? तो वहां पे उस moment पे when he asked me that, do you have, I thought I wish and I should have my own knowledge. कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जो मैंने खुद ने research किया हो, ऐसा कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जिसका निर्माण करता मैं हूँ. तो आई वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च. मैंने काफी सारी फील्ड पे रिसर्च करना चालू किया कि मुझको कुछ R&D की भी कुछ मिले और यू नो मेरा खुद का कुछ हो जाए. और एक दिन ऐसे ही जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, आई वॉज जस्ट इन द बालकनी, आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज डूइंग द मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस थॉट केम टू माई माइंड दैट रिस्ट वॉच एंड योर नेचर हैज सम वैल्यू. This thought came into my mind that a wristwatch might influence the way you think. And it was absurd thought. Matlab, mujhko kafi odd laga ki kya ye sach mein ho sakta hai. Immediately I went inside. And aur tab main 5-6 logon ke saath rehta tha. We had a 1-3 BHK apartment. So wahan pe I did the analysis of all other people. Matlab, jitne bhi log the, sabka maine analysis kiya. Aur surprisingly, वो एनालिसिस करेक्ट था. अब ये 2008 और फिर वो 2008 और 2009 के बीच में मैं ऐसे ही इक्का दुक्का एनालिसिस करता था, लोगों को अवेयर करता था कि रिस्ट एनालिसिस कुछ है, उसका कुछ फायदा है, कुछ ऐसा होता है. और आई वाज जस्ट यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल, स्पेशली द माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स फ्रॉम द ग्राफोलॉजी टीम एज वेल. इन द 2009 आई बिकेम अ सीनियर ग्राफोलॉजिस्ट एंड आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल. आई स्टार्टेड doing the mentorship to the graphology students, and there I took some batch of graphologists to one place where as a group we did the analysis. You know, ek function tha, function mein hum log gaye, wahan pe analysis kiya. To uska travel ka zimmedari, wahan pe khane pine ka zimmedari sab meri taraf tha. I did manage everything, and while coming back we all were sitting in big sumo mein baithe the, aur wahan pe ek lady jo hai wo mere baaju mein baithi thi. Usne pucha ki Sudhir, मेरा ये रिस्ट वॉच है और ये रिस्ट वॉच मैं सिर्फ और सिर्फ जब पति के साथ में रहती हूँ तभी पहनती हूँ. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिर पति के साथ आप कब कब जाते हो? तो शी सेड कि मेरे पति आर्मी में हैं और आर्मी में जितने भी ये फंक्शंस होते हैं, जितने भी आर्मी के फंक्शन होते हैं, उस फंक्शंस में जाते समय ये मैं पहनती हूँ. और उस बात के ऊपर मैंने फिर उनका एनालिसिस किया और वो एनालिसिस टू द पॉइंट करेक्ट था कि ऐसे ही उनका साथ उनके साथ होता है. सो दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके दिस थिंग वर्क्स, रिस्ट वॉच एनालिसिस वर्क्स अ लॉट. और पर क्या वो करेज नहीं था, वो हिम्मत नहीं था इसको एज अ प्रोफेशनल या इसको एज अ बड़ा चीज करके समझाना, दैट वॉज नॉट आई हैड इन माई माइंड और इन माई कंट्रोल. तो वहां पे एक 6-7 साल का समय गया, चला गया. और इन द ईयर 2016 व्हेन आई अगेन वांटेड टू कम बैक टू द ग्राफोलॉजी, आई वांटेड टू टीच ग्राफोलॉजी देयर, हाउ टू क्रिएट अ रिपल्स, हाउ टू मेक वर्ल्ड नो दैट आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, हाउ टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन एट दैट टाइम. सो वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अ वेरी गुड ग्राफोलॉजिस्ट, ही सजेस्टेड दैट टीच समथिंग व्हिच अदर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, अदर पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट. So in the year 2016, we launched our first ever wristwatch analysis seminar, and he took the responsibility of arranging 10 people. उसने बोला मैं 10 लोगों का इंतजाम मैं कर लूँगा, बाकी तुम कर लेना. So that gave me a lot of confidence. कह रहे चलो 10 लोगों का जो इंतजाम है ये लोग कर रहे हैं और बचे हुए जो है 10 लोग मैं अरेंज कर लूँगा. तो we started एक महीने के बाद से वेबिनार था और मतलब वेबिनार नहीं था, इट वाज अ सेमिनार, प्रॉपर फिजिकल सेमिनार. और वो दिन आ गया जिस दिन हमने वो सेमिनार लेना था. तो आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड हाउ मेनी हैव यू गॉट, कितने लोग जमा हो गए.
उसका आंसर था जीरो। उसने बोला मैं और मेरी वाइफ आ रहे, तुम तुम्हारा देखो अभी क्या होगा। एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज ही आस्क्ड मी टू अरेंज पीपल, आई हैड ऑल्सो मैनेज 10 पीपल। तो फिर ऐसे 12 लोग उस वेबिनार में बैठे, और यहाँ पे एक ZK's है, मतलब एक जहीर खान का होटल है, उसके ऊपर एक ऑफिस है, वहाँ पे हमने वो वेबिनार लिया, एक हॉल है वहाँ पे हमने वेबिनार लिया, एंड पीपल लव्ड इट, एंड इट वाज ऑफ आई थिंक 4 आवर्स ऑफ वेबिनार, और आई हैड नो नॉलेज कि मेरा, मैं 4 घंटा एक टॉपिक के ऊपर, रिस्ट वॉच जो इतनी छोटी सी चीज़ उसके ऊपर बोल पाऊंगा। तो देट वॉज द फर्स्ट एवर सेमिनार रिगार्डिंग रिस्ट वॉच एनालिसिस। लोगों को बहुत मजा आया, काफ़ी लोगों ने अच्छे फीडबैक दिए, और मेरे पास उस फीडबैक का हमने मतलब वीडियो भी बनाया, एंड दैट वॉज इट। अगेन आई वॉज अफ्रेड टू टीच दिस सब्जेक्ट एज अ फुल टाइम सब्जेक्ट, बिकॉज ग्राफोलॉजी ग्राफोलॉजी और रिस्ट वॉच एनालिसिस सुनने में थोड़ा सा और लगता है। तो मैं सिखाता नहीं था, मैं डरता था कि मैं सिखाऊंगा तो लोग मुझको रिस्ट वॉच एनालिस्ट ना के जानेंगे, फिर मैं ग्राफोलॉजिस्ट नहीं बन पाऊंगा, मैं लोगों का काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो ब्रांड नेम से मैं डरता था कि ये ब्रांड नेम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैंने वो सिखाया नहीं। और इन द ईयर 2020 वी वेंट टू ए वन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का नाम था एस्ट्रोवर्ल्ड, और उस एग्जीबिशन में उनको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है कि रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या है उसके बारे में बात कीजिए, अलग है डिफरेंट है। तो एस्ट्रो वर्ल्ड में मैंने पहली बार रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में बात की, और पीपल वी आर सुपर डुपर हैप्पी अबाउट इट। काफी लोगों ने इंक्वायरी किया, तो दैट गेव मी करेज टू लॉन्च फर्स्ट एवर वीडियो वेबिनार, नो वर्चुअल वेबिनार फॉर रिस्ट वॉच एनालिसिस, एंड दैट वेंट वेल, लोगों को मजा आया। फिर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था मुझको कि इसको हम लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट या प्रीमियम कोर्स करके सिखा पाएंगे। लेकिन उस दौरान एक लेडी थी फ्रॉम लेबनन, तो शी अप्रोच्ड मी एंड शी आस्क्ड मी कैन यू टीच दिस साइंस वन ऑन वन विथ मी। आई सेड आई डोंट माइंड, वन ऑन वन सिखा दूंगा मैं। तो शी सेड यू टीच मी फॉर 10 डेज, 2 घंटा 2 आवर्स एवरी डे 10 डेज के लिए आप सिखाओ। मैं परेशान किया, 10-20 घंटे सिखाने का मतलब, Do I have that much of content? So initially I said ki I will say something very big amount. मैं बहुत बड़ा big amount बोल दूंगा तो ये वैसे ही ना बोल देगी। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको ना एक $2,500 charge करूंगा और आपको सिखा दूंगा $2,500। तो उधर से उसका reply ये तो बहुत ज़्यादा है। बोला चलो अपना काम हो गया, अभी she will say no and that's it. But she proposed counter offer with $1,200 of 20 hours. $60 per hour. So I said, चलो ठीक है, no issue. I will say yes. इस बीच अगर अपने पास content नहीं रहेगा तो हम लोग वो बंद कर देंगे. And the class went for 30 hours non-stop. 30 घंटा मैंने वन ऑन वन उस लेडी को सिखाया रिस्ट वॉच एनालिसिस. उसके पास जो घड़िया थी वो 3 करोड़ 15 करोड़ 25 लाख ऐसी जो घड़िया रहती, बहुत महंगी महंगी घड़िया, उन घड़ियों का हमने एनालिसिस किया, यूनिक जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी ऐसी घड़ियां उन्होंने दी। और वहां पे जो उन्होंने प्रश्न पूछे, काउंटर प्रश्न, ऐसे प्रश्न वैसे प्रश्न, वहां से ये साइंस इवॉल्व हो गया बहुत ज्यादा। देन आई रियलाइज द पोटेंशियल। और जब हमने बड़े लोगों का एनालिसिस किया, बड़ी घड़ियों का एनालिसिस किया, वहां पे हमने क्या देखा कि ये लोग उस तरह की तकलीफें, उस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे थे जो उनकी घड़ी बता रही थी। और आज क्या आप सब लोग नहाए नहीं क्या, मतलब लॉट ऑफ यू आर नॉट हैविंग द वीडियो ऑन, सो ओके ग्रेट, कुछ लोगों के घर में पानी आ गया, दिस इज अमेजिंग। ठीक है, तो फिर वहां पे मुझको बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड देन वी स्टार्टेड टीचिंग इट एज अ फुल फ्लेज कोर्स वेयर वी स्टार्टेड टीचिंग इट एज अ थेरेप्यूटिक साइंस। मतलब अब हम लोग ने इस साइंस को इतना डेवलप कर लिया है कि ये एज अ थेरेपी भी आप यूज कर सकते। इस बीच में मेरे एक दोस्त थे सुनील करवे, तो उन्होंने मुझको कॉल किया, बोला कि क्या है ये, तो उन्होंने भी सीखा रिस्ट वॉच एनालिसिस। फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि एक पर्टिकुलर तरह का घड़ी आप अपने घर में लगाओ, तो उन्होंने वो घड़ी अपने घर में यूज़ किया, तो उनके पास भी कस्टमर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। फिर मैंने काफ़ी अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो साइंसेस है, मतलब थेरेपीज हमने यूज़ की। स्पेशली देर इज़ वन वेरी वेरी सक्सेसफुल केस जहाँ पे 7 लोगों का वीज़ा कैंसिल हो रहा था विद इन द यूएस,
और वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने फिर उन सबको एक पर्टिकुलर घड़ी पहनने को लगाई, तो उनका वीज़ा जो कैंसिल होने लगा था वो बच गया, बाकी सबका, उनके आजू बाजू बाकी जितने भी इंडियन लोग थे सबका वीज़ा कैंसिल हो गया, उनका उनका बच गया। सो दैट इज़ द अमेजिंग टेस्टिमोनियल, अभी ऑनलाइन भी हमारा ऑलरेडी वो टेस्टिमोनियल। तो ऐसी जो चीज़ें हुई इसने मुझको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, और इसलिए हम इस साइंस को एज अ थेरेपेटिक साइंस, रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी नाम से सिखाते हैं। ये 10 दिन का कोर्स है, उस 10 दिन में आप घड़ी के बारे में कई सारी चीज़ें, जैसे बेल्ट कैसा होना चाहिए, आपकी जो ये है ना कांटे कैसे होने चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, और ऐसा घड़ी पहनने के बाद क्या होता है आपके साथ, ये भी हम इसमें सिखाते और बताते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज दी हिस्ट्री। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज ओनली फॉर आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, आप में से कोई भी इंसान जो है वो हमारा मतलब सब लोग आप स्टूडेंट ही है। So you all can ask questions and I will give you the answers for the research analysis. If you have any doubt, if you want to know something, please let them. Sir, we can show you the wristwatch and ask. आप ऐसे ही पूछो. ऐसे ही पूछे. Okay. हाँ, sir, अगर network marketing में है तो कौन सी type की wristwatch पहननी चाहिए? ऐसे मत पूछो, आप तो problem solve करने के लिए आ गए, आप तो course ticket. तो क्या question पूछे sir? अगर सर मेरे पास द राइट क्वेश्चन इज कि व्हाइट वर्क्स, दैट इज डोंट यू थिंक दिस इज द राइट क्वेश्चन, कि ये काम क्यों करता है, इतना ऑड है, क्या ये काम करना चाहिए सच में? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट व्हाई शुड दिस साइंस वर्क, दिस इज द राइट क्वेश्चन, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड? यस यस माइंड में। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन। सो यहां पे देखिए, क्या आपको पता है कि आप सब लोग गुलाम हो? Do you know this, that you all are the you know slaves? How many of you are aware that you are slaves? Yes. क्या बात करते हो? मेरे को लगा कुछ तो resistance होगा। मुझको लगा India। True sir। True। Yes sir। Time के slaves हैं ना हम लोग। Born slaves। Correct। तो हुआ क्या है? पहले ना सब कुछ जो था वो linear था। There was one light। एक ऐसा light था जो एंड से मतलब उसका कुछ अंत नहीं था, वो लाइट स्ट्रेट था। तो विष्णु और ब्रह्मा ये दोनों में फाइट चल रहा था, ये दोनों में फाइट चल रहा था कि क्या मैं श्रेष्ठ हूँ। सब लोग बोले थे, दोनों बोले थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो दोनों ने एक रिजॉल्वमेंट लिया कि ये जो लाइट दिख रहा है इसका जो अंत है, जो उस अंत को ढूंढेगा वो श्रेष्ठ। तो विष्णु जी ने अपना सफर चालू किया, ब्रह्मा जी ने अपना सफर चालू किया। तो शायद विष्णु जी डाउनवर्ड गए और ब्रह्मा जी अपवर्ड गए, और विष्णु जी जा रहे उनको आखिर तक अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ऊपर गए और उन्होंने बीच रास्ते में सोच लिया कि जाने तो मैं झूठ बोल लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि मुझको अंत मिल गया। तो वापस आके उन्होंने डिक्लेयर किया कि आई गॉट द एंड, और विष्णु जी बोले तो यू आर द विनर, यू गॉट द एंड, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट। उसी समय शिव जी प्रकट हो, और शिव जी ने ब्रह्मा को बोला कि यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, इसीलिए तुमको मैं ये श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। सो दैट इज हाउ द ब्रह्मा डजंट हैव एनी काइंड ऑफ टेंपल इन, मतलब वेरी फ्यू टेंपल और नन। अब ये जो लाइट था वो लीनियर था, जब ये लाइट था लीनियर, उस लाइट की एक दिन इच्छा होगी कि लेस एक्सपीरियंस समथिंग, चलो कुछ अनुभव करते। तो उस अनुभव के लिए उसने ले लिया बैंड, और देखो जो बैंड है ना वो करियर नेचर का रहता है, और वो बैंड से जैसे उसने बैंड लिया पूरी सृष्टि का जन्म हो गया, एवरीथिंग मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस बैंड कर्व। इसलिए जो कुछ भी करवी चीजें है उन्हीं चीजों में मैनिफेस्टेशन की ताकत है, और ये कर्व जो है ना वो मस्कुलाइन नहीं फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है, इसलिए फेमिनाइन बॉडीज भी ना करियर नेचर की है, और फेमिनाइन मस्कुलाइन बॉडी जो है वो स्ट्रेटर बॉडीज है, इसलिए जिस लेडीज की मतलब इट्स लाइक करवियर लेडीज को ज्यादा फर्टाइल माना जाता है, बिकॉज ओनली द कर्व्स हैव पावर टू मैनिफेस्ट समथिंग। इसलिए जो अलग अलग जन्म है उनको योनिया कहा जाता है, क्योंकि अगेन इट इज समथिंग, और फीमेल जेनिटेलिया को भी योनि कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुड़ी हुई है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओ वहां पे भी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं ईवा ने एप्पल खाया, मतलब वहां पे भी जो है वो सोर्स वही है। तो कर्व हर क्षेत्र में आप जाओगे तो कर्व का कहीं ना कहीं ऐसा सिग्निफिकेंस है कि शुरुआत वहां से हुई।
तो कर्व से क्या हो गया, पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। अब ये कर्व क्या करता है, वापस जाना चाहता है, लेकिन ये कर्व अभी अटक गया, ये सर्कुलर इसमें अटक गया। तो दुनिया में जो कोई भी चीजें एग्जिस्ट करती है उसका कारण है कर्व, और ये कर्व दर्शाता है आपका टाइम। इसलिए टाइम मेजर करने की जो सभी चीजें आप यूज करते हैं वो कर्वियर नेचर की है। यू टॉक अबाउट द अर्थ रोटेशन फॉर द टाइम 24 आवर्स, it has it is a curvature in nature. You talk about the earth revolving towards around the sun, it is 365 days, 1 year, it's a curvature in nature. You talk about your own cycle, ladies, you know, that is of 28 days, it is again with the sync with in sync with the moon cycle. Matlab aapka janam, aapka mrityu, aapke life mein jitni bhi cheeze hoti hai wo sabhi ki sabhi cheeze kahin na kahin time pe dependent hai aur time ki hi gulam hai, isn't it? Time se usi time pe chalu hoga। इसी तरह से जो ये अपने एस्ट्रोलॉजर्स है वो आपकी पूरी जीवन कुंडली बनाते हैं, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोग सोचो, जब आपकी जन्म जो आपकी माँ के कारण हुआ है उनका साइकिल कहीं ना कहीं सन के साथ मून के साथ एसोसिएशन में था, तभी आपका जन्म हुआ। जब सभी आपकी लाइफ की चीजें अगर टाइम पे डिपेंडेंट है, तो अगर कोई ऐसा डिवाइस जो टाइम दिखाता है, ऐसा डिवाइस जो टाइम से एसोसिएटेड है, क्या वो आपके लाइफ के बारे में कुछ बात नहीं करेगा? What is your take? Will it not talk about the something which is happening or in your life? तो यही रीजन था कि हमने R&D किया wristwatch के ऊपर। और क्योंकि टाइम आपके जीवन में सब कुछ है, इस टाइम के कारण सब कुछ चीज आपकी लाइफ में होती है। जो डिवाइस आपका टाइम दर्शाता है वो डिवाइस आपकी लाइफ में अपना इन्फ्लुएंस डालता है, और आपके लाइफ में वो सब चीजें होनी चालू होती है। जैसे आपकी घड़ी, आप में से कितने लोग हैं जो रेड कलर का घड़ी पहनते हैं? How many of you wear the red color watch? So, जिनका रेड कलर का वॉच है, दीज पीपल टेंड टू डू लॉट ऑफ वर्क, काम बहुत करते हैं, एंड इनको दीज पीपल आर वेरी गुड विद द स्पोर्ट्स। जी, क्या स्पोर्ट्स खेलते थे आप? Which kind of sports you used to play in the past, in the life? सर, मैं बास्केटबॉल नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में थी तो प्रिंसिपल ने जाने नहीं दिया। सी, मुझको वैसे पता, you are good sportsman. Yes, everything, everything, all sports I used to do. Baseball भी मैं कैप्टन थी, softball. Oh wow. Throwball, everything, all athlete games I used to play. इसीलिए देखो, रेड कलर का घड़ी आप में से कितने रेयर है, कोई किसी के पास नहीं, राइट? ऑलमोस्ट नन, शी हैज इट एंड शी इज गुड विद द स्पोर्ट्स। सो दैट इज द पोटेंशियल। मतलब आप घड़ी कौन सा ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में क्या होगा। मेरे हिसाब से मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें हैं अभी। मे बी सुनीता गुप्ता वाज देयर, आई सॉ हर नेम, देन हेमंत आल्सो आई थिंक इज अ रिसर्च एनालिस्ट, हु एल्स इज देयर, ओके, अनिता जी तो है ऑलरेडी। So, ये रिस्ट वॉच जो है, ऐसे मतलब कई छोटी-छोटी चीजें जो ये दर्शाती है कि आपके साथ क्या होगा। Do you know what is the distance between sun and the earth? It is 10 times the diameter of the earth. The distance between the earth and moon in one is 10 times the diameter of moon. मतलब जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं है। It is already been mathematically done कि ये ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा ऐसा हो जाए। So यही पे हम लोगों को घड़ी जो है इसको अगर हम therapeutic नजरिए से देखेंगे तो अलग अलग तरह के चमत्कार अपने लाइफ में हम कर सकते हैं। Yes, नीले जी, क्या क्वेश्चन है आप? सर, मैं ये पूछना था, ये दो क्वेश्चन, एक तो जिनके पास बहुत सारे घड़ी होती है उसके साथ कैसा ये होता है, दूसरा जो पहनते ही नहीं है तो उसके साथ ये ऐसा चक्र घूमते रहता है। आप में से कितने लोगों के पास बहुत ज्यादा घड़ी है? Can I have? और वीडियो ऑन करो। 10 है सर, 10। हाँ, very nice. Can you all on videos? Rest of the people. अरे डरो मत। Okay, great. तो जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा घड़ियां है उन लोगों को लोगों के डेट ऑफ बर्थ याद रहते, बर्थडे याद रहते हैं। दीज पीपल ट्रीट देयर फ्रेंड्स एज अ स्पेशल ह्यूमन बींग। दीज पीपल want to make them feel nice, उनकी मदद करना, उनके important occasion पे समय निकाल के जाना, उनको उनके एक right तरह का इनको एक gift देना, ये सभी चीजें वो लोग करने की इच्छा रखते हैं। Yes, नीलेश जी, बराबर है?
काफी चीज बराबर है सर, बट वो जाना वो वैसे बर्थडे में जाना जाओगे नहीं, बट यू विल मेक देम, मेक देम फील स्पेशल नो. यस यस, आपके पास समय नहीं रहेगा तो नहीं जाओगे, लेकिन यू विल कॉल देम, यू विल विश देम. करेक्ट करेक्ट. 12 बजे कॉल करने की टेंडेंसी रखते हैं ये लोग, या फिर यू नो दिस पीपल मेक श्योर दैट दे फील स्पेशल देयर फ्रेंड्स. देखो बाकी लोगों ने भी ट्रू बोल दिया, जैसे नीतू जी है, फिर नीता जी है, धवल जी है. सो व्हेन अ पर्सन हैज टू मेनी क्लॉक्स, टू मेनी वॉचेस, दिस इज हाउ ही फील्स एंड दिस इज हाउ ही डज द वर्क. अगर कोई व्यक्ति घड़ी पहनता ही नहीं और घड़ी है रखता भी नहीं, आप में से कितने लोग हैं जो घड़ी खरीदते नहीं रखते ही नहीं, यू डोंट हैव वॉच एट ऑल, ना पहनते हैं ना रखते हैं. क्या बात पहनते है सर, बट रखते मतलब रखते हैं पर पहनते नहीं है. जैसे देखो आपका घड़ी है नीले जी, आपका घड़ी क्या दर्शाता है कि आपकी जाने अनजाने में ना आपकी आपकी जो है रिलेशनशिप, आप दिखाओ मतलब मैंने देख लिया अभी क्या ज्यादा तो आप जाने अनजाने में भी आपके ना बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनका मे बी दीज पीपल हैव गुड नॉलेज और गुड मनी और गुड औदा, ऐसे लोग आपके रिलेशन में आ जाते जाने अनजाने. यू डोंट टेक स्पेशल एफर्ट्स फॉर देम, दे जस्ट जॉइन. आपके पास उनके नंबर आ जाएंगे, आपका नंबर उनके पास चला जाएगा. दैट इज व्हाट योर वॉच सेज. ओके करेक्ट. हाँ तो करेक्ट ही होने वाला है. या सुनीता जी. सर व्हाट अबाउट गोल्ड वॉच? ऐसे हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे आज, पर ये समझ लो आप कि गोल्ड वॉच सिर्फ कलर मैटर नहीं करता है. क्या क्या चीजें मैटर करती है वॉच में? वॉच में मैटर करता है बेल्ट, फिर उसका डायल, उसका कलर, बेल्ट का कलर, बेल्ट का स्टाइल, उसके अंदर के होने वाले जो कांटे हैं वो, क्रोनोग्राम, मल्टीपर्पज, डिजिटल, है ना, ये सभी चीजों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है. सिर्फ कलर से ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा. रेड कलर का क्या स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैंने उनको बोल दिया. बाकी अलग अलग कलर में वो कॉम्बिनेशन लगेगा टू टेल समथिंग. तो वैसे तो हर कलर में ही होगा ना सर, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक. अब हम ना 17 कलर सिखाएंगे आपको, 17. अच्छा. हाँ 17 मतलब रेनबो में साथ ही रहते, हम लोग आपको 17 सिखाएंगे. तो जो कलर के बारे में हमने इसमें लोगों में जो डिसाइड डिस्कस किया था वो सेम चीज इधर वो होती है क्या यूज? नहीं ना. देखो कैसे है, पानी वही है लेकिन वो गाड़ी धोने के बाद उसका यूज अलग तरह से किया जाता है और चटनी बनाने के लिए अलग तरह से यूज किया जाता है. तो पानी तो वही है लेकिन यहाँ पे आपके उसका स्वरूप, टेस्ट वैसे सब बदल जाता है. मतलब चीज तो वही है, आफ्टर ऑल कलर इज अ कलर. सो मैं लोगों में शायद मैं वही बात करूँ, यहाँ पे भी मैं वही बात करूँ, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन बदल जाता है. उसमें जो आपका फील है, आपके रिजल्ट है, वो अलग हो जाते हैं. यू टेंड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन विद द कलर्स इन रिस्ट वॉच. सर समवेयर डज इट रिलेट टू द चक्रस आल्सो? यस, चक्रास को रिलेट होता है, चक्रास को रिलेट कर सकते हैं. इस रिस्ट वॉच का स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ना सभी साइंसेस यूज होते हैं. इसमें साइंसेस कौन कौन से हम सिखाते हैं आपको, आपको न्यूमरोलॉजी आ जाता है यहाँ पे, आपका कुंडली का नॉलेज आ जाता है यहाँ पे, ग्राफोलॉजी काफी यूज होता है, सैक्रेड ज्योमेट्री यूज होता है, कलर थेरेपी यूज होता है. ये सभी चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है. वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इस पर्टिकुलर साइंस में, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. अभी देखो जो व्यक्ति ना वॉच नहीं पहनता है, आप में से कितने लोग हैं? मतलब आई डोंट नो, नोबडी रेज द हैंड लास्ट टाइम. हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट वियरिंग अ वॉच एट ऑल? है लेकिन पहनते नहीं. चलो है लेकिन पहनते नहीं, ऐसे कितने लोग हैं? सो करंटली नॉट मच. यू शुड वेयर, यू नो. पर मेरी मेरी वाइफ है जो पहनती नहीं, को रेयरली कभी पहना. तो मेरा लड़का जो है वो उसको स्पोर्ट्स के ही अच्छे लगते हैं. बाकी आपका जो लड़का है वो किसी को कुछ भाव नहीं देता. मतलब उसको किसने बुरा भला भरा भरा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. ही जस्ट वांट टू हैव द वे ही इज नो, वो खुद का लाइफ खुद की तरीके से एंजॉय करने की इच्छा रखता है. उसको क्रिटिसिज्म का और तारीफ का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. यस और नो? यस यस यस. वो कंसिडर करता है लेकिन वो फिर भी न्यूट्रल हो जाता है कुछ देर के बाद. कोई बोलेगा तो ही डज लिसन टू देम,
वो सोचेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपका लड़का ऐसा। अब जितने लोग वॉचेस नहीं पहनते, ये लोगों का इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये दिए हुए सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं और अडाप्ट हो जाते हैं। देयर अडैप्टेबिलिटी रेट इज वेरी वेरी फास्ट। ऑल ऑफ यू जो नहीं पहनते हो, नहीं पहनते, यस सर, वेरी ट्रू। तो वो अडप्ट ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो फिर उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस है वो सॉलिड ही होते ना, इजंट इट? यस सर, यस। सो दैट इज व्हाई एक्सेप्टेड, या यू शुड वियर द वॉच। वॉच पहनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एफर्ट्स जो है वो अलग अलग दिशा में होने चालू होते हैं। लेकिन अगर वॉच गलत है तो आपकी लाइफ वापस से खराब होती है। वॉच अच्छी है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। वॉच गलत मतलब काफी सारी चीजें होती है जो वॉच में सही तरीके से नहीं रही। तो मैंने देखो, वॉच का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वॉच आप जो काम कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करता है, और बहुत बड़े लेवल पर मदद करता है। कई लोग है जो कुछ काम कर नहीं रहे, अगर उन लोगों ने चाहा कि मुझको मेरा काम हो जाए तो उनको वॉच मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, उस समय पे अगर आपने रिस्ट वॉच को यूज किया एज अ साइंस, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर देगा, आपको वो चीज जल्दी मिलेगी। सो दैट मींस फुल डे वी हैव टू वेयर अ वॉच? हाँ हाँ, फुल डे ऑफ कोर्स। द मोर यू वेयर, द मोर यू आर गेटिंग अ सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास वो सिग्नल जाएगा, दिस इज व्हाट यू वांट। आपने वॉच पहना तो जो भी आपका वॉच है वैसा सिग्नल नॉनस्टॉप यूनिवर्स के पास जाएगा और यूनिवर्स वो मैनिफेस्ट करते रहेगा। हर एक अलग लोग के लिए अलग वॉच होगा ना? यस, अलग पर्पस के लिए अलग वॉच। जैसे आपका जो है रेड वॉच, मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा रेड वॉच पहनो। क्यों बताओ आप? व्हाई यू शुड नॉट वियर अ रेड वॉच? क्योंकि अब स्पोर्ट्स नहीं करते हैं। यू आर ऑलरेडी अ स्पोर्ट्समैन बाय नेचर। ओके, तो आपने रेड वॉच पहना तो आपने अपने नेचर का वॉच पहन लिया, तो क्या फायदा मिलेगा आपको? आपने ऐसा वॉच पहनना चाहिए जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, आपको मदद करे कि वो काम आपका जल्दी हो जाए, isn't it? करेक्ट, यानी हर एक के लिए हर एक अलग वॉच होगा। करेक्ट, नॉर्मली आप क्या, अब क्या होगा, आप जैसे वैसे वॉच आप ले लोगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैसा वॉच लो जो आपके गोल के आपको पास लेने में, पास जाने में आपकी मदद करे। तो वैसा वॉच आपका होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमको गिफ्ट देता है वॉच, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। किसने गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया, कैसा वॉच गिफ्ट दिया, क्या वो बंद पड़ा, क्या वो आपने पहना नहीं, क्या आपने वो फेंक दिया, क्या आपका वो चोरी हो गया, हर एक चीज का मीनिंग। सर, मे आई आस्क वन क्वेश्चन? हां, क्वेश्चन तो एवरीवन इज अलाउड टू आस्क। या सी सर, आई एम रुचिज हस्बैंड, एक्चुअली शी इज इन अ क्लास, सो शी टोल्ड मी जस्ट लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग एंड कन्वे हर, यू नो, टेल हर व्हाट यू हैव टोल्ड। सो आई जस्ट, सिंस आई नो फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू यू, जस्ट आई विल आस्क वन क्वेश्चन। इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ वियरिंग अ वॉच in your left hand or right hand? Yes, in fact there is a significance of wearing it on the both hands, left right bhi hai aur both. Kai log jo hai jaise abhi Aditya Thakre hai, wo dono haathon pe ghadi pehante hain. Oh, never knew that. Uska bhi significance sir, uska jab jaan sakta hu kya? Can I know? Acha, to short mein batata hu main. Aap kaun se haath pe pehante ho ghadi? Actually, I'll tell you, I used to wear in left hand. My wife told me, don't now, wear in left, the people who wear the right hand. Yeah. नहीं नहीं, ठीक है ना, आप लेफ्ट पे पहनते हो ना? नहीं, अब तो मैं राइट में पहनता हूँ, अर्लियर आई यूज्ड टू वियर ऑन द लेफ्ट हैंड। हाँ, तो कितना दिन हो गया आपको राइट का पहनते हुए? आई थिंक फ्यू इयर्स, फ्यू इयर्स, ओके, बिकॉज़ माय वाइफ टोल्ड मी, दैट्स व्हाई, यू नो, नो इश्यूज, नो इश्यूज। क्यों मतलब सर, मैं हमेशा से राइट हैंड में पहनती हूँ, जब से मैंने घड़ी स्टार्ट किया, आई नो बचपन से। आप, मैं खुद ही बोल देता, आप पूछते कि मैं कौन से हैंड पे पहनता हूं, मैं बता देता आप राइट हैंड पे पहनते हो। आपके साथ क्या होता है, जितने भी लोगों ने लेफ्ट पे पहना हुआ है या लेफ्ट पे पहनते हैं, कहीं ना कहीं दीज पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद देयर मॉम्स, मम्मी के साथ उनका कंफर्ट ज्यादा होता है। True, sir. अगर मेल ने ये लेफ्ट पे पहना,
तो ये व्यक्ति लड़कियों से ज्यादा कंफर्टेबल होता है, औरतों से ज्यादा कंफर्टेबल होता है. वेरी ट्रू सर. ठीक है, तो मतलब वो मेल है फीमेल डजंट मैटर, बट वो बाय डिफॉल्ट होता है. और साथ ही साथ ये लोग जो लेफ्ट पैर घड़ी पहनते हैं, आई जस्ट लॉस्ट इट सम, ठीक है, और लेफ्ट पे जो पहनेंगे वो ऐसा ही नेचर हो जाता है उनका कि दे आर मोर कंफर्टेबल विद लेडीज. राइट में, राइट हैंड, वो भी क्लास में. हेलो, ये तो गलत बात है. एक चीज तो बोलिए सर, थोड़ा तो आइडिया दे दीजिए तो मैं लेफ्ट से उतार एक जस्ट गलत दे दो सर, गलत सर, एक गलत दो. देयर इज नो रूल कि आप मतलब देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू टेक अ डिसीजन. पहला चीज तो कौन सा घड़ी पहनना चाहिए. एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट नीड्स. मेटल बेल्ट होता है, लेदर बेल्ट होता है, प्लास्टिक का बेल्ट है, रबर का बेल्ट है, सो मेनी वेरिएशंस. फिर बेल्ट जो है वो अलग अलग तरह के, किसी के बेल्ट में होल्स ज्यादा है, किसी के बेल्ट में कड़िया ज्यादा है, किसी के बेल्ट में मतलब सो मेनी कलर्स. तो व्हाट आई फियर कि यू विल स्टार्ट यूजिंग द वॉच व्हिच इज नॉट गुड फॉर यू. क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलतियां हुई है, क्या गलतियां हो रही है, तो कहते हैं कि आपके पास जो वॉच है वो गलत तरह का है, ये समझ लो. इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन कन्वर्टिंग योर गोल्स, अगर आपके गोल्स इजिली कन्वर्ट नहीं हो रहे, अगर आपको आपकी लाइफ में इजिली चीजें नहीं प्राप्त हो रही है, या इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग इन योर लाइफ, इट मीन्स योर वॉच इज नॉट राइट. कहीं ना कहीं घड़ी जो है खराब है. मतलब नीलेश जी, दो योर वॉच इज गुड फॉर व्हाट आई टोल्ड यू, इट लैक्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आर यू गेटिंग इट? इसलिए मैं ज्यादा आपको रिवील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाट विल हैपन, यू विल गो फॉर दैट वॉच एंड यू विल स्ट्रगल अननेसेसरली. क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रगल लाइफ में, इसका मतलब वॉच तो खराब ही. आप में से कितने लोगों का वॉच बंद पड़ा हुआ है, या कितने लोगों का वॉच जो है वो टूटा फूटा है, रिपेयर नहीं करवाया? चांदनी, आपका वॉच इंजर्ड है? आपका वॉच? Yes sir, sir, I have lot of watches because मुझे बड़ा शौक है watches का, but the thing is that many are right now बंद. You are injured. हाँ, I know that your watches are injured. And now you know my life. Yeah. And because of that, I know your life. मतलब आपने कभी तो भी मुझको share किया था, उसकी वजह से I know about your watches. Yes sir. So अगर आपके injured watches है, बंद पड़े हुए, तो आप life में अभी struggle कर रहे हो. पहला काम है वॉचेस को रिपेयर करा, ठीक करा, उसको चलने दो. बुरा है तो बुरा है, भला है तो भला, एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग. अगर बंद पड़ा है वॉच, तो आपको ना बहुत स्ट्रगल जाएगा लाइफ में अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए. सर, आई हैव अ क्वेश्चन. शिखा जी, सर, हम लोग जब भी रिस्ट वॉच ठीक कराते हैं ना, और मैं जब भी उसको पहनती हूँ, तो या तो उसका पिन निकल जाएगा या डायल निकल जाएगा, जबकि वो फास्ट ब्रेक की और सब अच्छी घड़ियां हैं, और बार बार ठीक कराते हैं, बार बार खराब हो जाते हैं. सर, पहनते टाइम ही खराब होती है. कौन से हैंड पे पहनते हो? लेफ्ट, राइट? लेफ्ट सर, लेफ्ट. मैरिड? नो, यू आर मैरिड, राइट? यस सर. ओके, तो ये जो चीज है, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टरबेंस को पैदा करते रहे. ठीक है, ये जो होता है, लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टरबेंस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. यस सर, हो रहा है ऑलरेडी. हो रहा है सर, हो रहा है. और सर, बार बार ठीक कराते हैं, पता है बंद नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ आठ आठ घड़ियां ऐसा सारी ठीक कराते हैं, पहनते हैं, उसी दिन टूटती है, या तो ऊपर का ग्लास निकल जाएगा, और अच्छे अच्छे शोरूम से ठीक करवाई है सर, तो भी खराब हो जाए. ये तकलीफ है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ होती जाएगा, और वो डिस्टर्ब करेगा आपकी पूरी लाइफ को. तो मेक श्योर दैट यू हैव गुड वॉच एंड यू वियर इट, और मतलब प्रोटेक्ट योर आवर बेसिकली, अच्छा रखो उसको, आपको फायदा होगा. सर, बहुत संभाल के ही रखते हैं, पर पता नहीं इसका, सिर्फ जैसे आपने बोला ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, देयर आर थेरेपी, तो इसकी थेरेपी कैसे दी जाएगी? लाइक ये सब भी आप सिखाओगे सर? यस, थेरेपी देखना सिखाएंगे हम आपको. पैसा कैसे कमाया जा सकता है अच्छी वॉच पहन के, कस्टमर ज्यादा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आपको आपका रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यू नो, आप वो सब चीजें हम इसमें सिखाते हैं. Health, wealth and relationship, तीनों के सर, वैसे एक घड़ी होनी चाहिए कि बहुत सारी हो तो अच्छा है? दो तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. क्यों, क्या होगा कि अगर आपने दो तीन से ज्यादा घड़ियां रखी तो आप पहन नहीं पाओगे, मैनेज नहीं होगा. यस, और यूनिवर्स को जो आपको सिग्नल देना है उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा कि एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं. सो यू विल हैव अ क्या बोलते हैं उसको, नलीफाइड सिग्नल टू द यूनिवर्स, दैट कंफ्यूजन. यस, दैट विल डिस्टर्ब.
और सिर्फ गिफ्टेड घड़ियां ही मिलती हैं, कभी खरीदी नहीं है, और गिफ्ट में अच्छी अच्छी घड़ियां ऐसी हैं कि निकाल भी लोग हैं आप में से जिनको जिनको गिफ्ट में बहुत सारी घड़ियां मिली है, और मैंने नीता जी है ओके, तो आप जितने भी लोगों को गिफ्ट में घड़ियां मिलती है इन लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं. यस यस ट्रू वेरी ट्रू. पीपल लाइक देम टू बी इन देयर कंपनी और पीपल लाइक देम टू बी अराउंड देम यू नो. सो इन लोगों को पसंद करने वाले लोग बहुत होते हैं जितने भी लोगों को घड़ियां गिफ्ट में मिलती है. दिस पीपल आर पीपल्स फेवरेट. ओके विजय श्री का भी है. ट्रू सर. यस सर. नेताजी के इसमें भी होता है. नीतू जी सर इनफैक्ट मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने भी गिफ्ट करी है वॉच. दुबई से भी आ जाती है सर, बाकी कुछ नहीं आएगा, वॉच ही आ जाती है और वो बंद पड़ जाती है. वो कभी कभी उसका एड्रेस चेंज किया करो, हमारी तरफ ही भेजा करो. भेजना पड़ेगा. भेजना पड़ेगा सर. जितना आपको सुनती हूँ ना ऐसे लगता है ये भी है ये भी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वॉच नहीं पहनते उनके लिए आपने क्या बोला? अगर आप वॉच नहीं पहनते हो तो आप बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं. okay. आपको फिर दुनिया की आजू बाजू में जो घटनाएं होती है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करती. आप थोड़ा सा रूखे हो जाते हो. ओके मतलब सब कुछ देख लिया अभी, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है, कोई दर्द हो रहा है, वी हैव सीन एवरीथिंग नो, आवर हार्ट डजंट क्राई एनीमोर. तो फिर ऐसे में व्यक्ति जो है वो रेस्ट वॉच मतलब इट्स लाइक दे डोंट, ऐसे नहीं कि केयर नहीं करते पर उनका उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है आजकल. फर्क नहीं पड़ता. दे मे हेल्प, दे मे पुट एफर्ट्स टू हेल्प, बट जो मन है मन से वो ऐसा नहीं, कोई कोई ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं. अरे उसका अभी मेरे वाइफ के मायके में कोई कुछ लोग बीमार पड़ गए. ठीक है अब कोविड तो सबको ही हो रहा है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो डू यू थिंक यहाँ पे मैं परेशान हूं कि उनको कुछ फायदा हो सकता है? नहीं. no. तो वो जो है जो वॉच नहीं पहनते हैं वो ऐसा भी सोचते हैं, और जो पहनते हैं वो थोड़ा सा रोते हैं, थोड़ा सा भाव इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि अरे बुरा हो रहा है ना, ऐसा वो फर्क है. पर जो आया है वो जाएगा वाली उनकी टेंडेंसी होती है. हाँ. उसको तो जाना ही है, उसमें क्या दुख मनाना. सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो सर. ग्रेट सर. मैं कभी कभी पहनती हूँ वॉच, तो उसका क्या करें? तो कभी कभी आप ऐसे बनते हो फिर, कभी कभी नहीं बनते है ना. कभी कभी पहनोगे तो फिर इट विल हैव दैट एटीट्यूड ऑफ कि अरे कभी कभी होगा कभी नहीं होगा. सर मैंने मिस किया. साक्षी बोल रही हो. किसको मिस किया आपने? वो डिपेंड करता है, मतलब चाइल्डहुड स्वीटहार्ट था कि अभी का कोई था? सर नहीं है, आपकी ये रिस्ट वॉच वाले सेशन को मिस किया. You know, no, there is a chance, you know, you can join the workshop which is starting. 15 din ke baad jo hai, wo workshop chalu ho raha hai. Absolutely, sir. So you join it and you learn it for 20 hours, jahan pe aap seekho ki kaise aap wristwatch ko use karke logon ki aur khud ki problem solve kar sakte. Sir, ye science kis cheez se juda hua hai? Jaise hamara graphology subconscious mind subconscious se hame pata tha. It is a symbolic. So, सिंबॉलिक. और ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. हाँ, तो बच्चों के लिए आप कुछ अलग तरह के वॉचेस ले सकते हो. हाँ, बच्चों के लिए अलग तरह के वॉचेस आप ले सकते हो. कुछ वॉचेस बच्चों ने नहीं पहनने चाहिए. ठीक है, जैसे आज की डेट में लोग अपने बच्चों को ना वो स्पोर्ट्स बैंड पहना के देते हैं. यू शुड नॉट अलाउ योर किड टू वियर अ स्पोर्ट्स बैंड. अपने बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए पहनने के. ऐसे भी कुछ हो सकता है कि कोई एक वॉच जो है वो मेरे लिए लकी है और किसी और के लिए वो बैड हो. 100% होता है ऐसा. कुछ वॉचेस जो आपके लिए अच्छी है, जैसे मेरे लिए मेरा जो अच्छा वॉच है आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट एटमॉस्फेयर है ना. तो मैं जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पे लोग कम कपड़े पहन लेंगे, आप कम कपड़े पहनेंगे तो आपकी वाट लगेगी. बिकॉज उधर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको ले सूटेबल, आपको आदत नहीं है ना उतनी ठंड की, उनको आदत है. तो उनके लिए जो वॉच है अलग है, आपके लिए जो वॉच है अलग है. और क्या हम ये इसमें हमारे जो वॉल क्लॉक होती है उसके बारे में भी? यस, इन फैक्ट इट हैज अ बिग रोल टू प्ले इन योर होम, इन योर ऑफिस. ऑफिस में आप अगर आपको लगता है कि लोग चल के आए आपके ऑफिस के अंदर बहुत बार, तो वॉल क्लॉक अलग होता है. अगर आप चाहते हो कि आपके ऑफिस में ऑनलाइन इंक्वायरीज बहुत है तो
क्लॉक अलग होता है. जैसे हमारे मेरे घर पे जो क्लॉक लगा है वो ऑनलाइन इंक्वायरीज का लगा, तो हमको ऑनलाइन इंक्वायरीज बहुत आती है. इनफैक्ट देखो हमारे अभी 100 इस बार ना वी माइट हैव 150 स्टूडेंट्स इन आवर बूट कैंप. अभी अशिमा जी थी उस समय पे 100 लोग थे बूट कैंप 108. तो ये जो है वो घड़ी का कमाल होता है कि उस तरह की घड़ी आप पहनोगे तो उस या घर पे रखोगे तो वैसी चीजें आपके घर में होनी चालू होती. आपके घर आपके मतलब आप सभी के घर में पेंडुलम वाला वॉच कितने लोगों के पास? How many of you have pendulum वाला वॉच? मेरे पास है सर. मेरे पास भी है सर. है हमारे पास भी. मेरे पास भी है. Great, awesome. तो जितने भी घर के लोगों के घर में पेंडुलम का वॉच होता है, इनके घर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा पैदा होते रहते. दीज पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ पीसफुल लाइफ. कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा आती रहेगा. दे कैन नॉट हाउस. नो सर, नहीं. मैंने वो पेंडुलम निकाल दिया लेकिन उसका. तो कैसे आएगा फिर? पेंडुलम की बात करो, आपने पेंडुलम निकाल दिया तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? पेंडुलम का वॉच गुड नीता जी. पता नहीं क्या सर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. और मुझे एक दिन लगा नहीं चाहिए, ये गिफ्ट आया था किसी ने दिया था. नहीं लग रहा था हिंसा हिंसा यू नो, तो मैंने उसको निकाल दिया अभी. अच्छा हो गया. क्या होता है वैसे? काफी टाइम से डिस्टर्बेंस हो जाता है पूरा लाइफ. हाँ, डिस्टर्ब कुछ ना कुछ होता है, छोटा मोटा कुछ ना होगा, लेकिन पीसफुलनेस जो है ना वो लाइफ से निकाल देता है पेंडुलम का वॉच. हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ने ही हमको बोला कि आपको पीसफुलनेस होना है, इसीलिए आप ये निकाल दो. ऐसा वो होता है. कितने दिन पहले निकाला आपने? जब से आया तब से मैंने उसको डाला ही नहीं. तो यू हैव सब्सक्राइब टू समबडी हु इज गुड विद द मेडिटेशन. मतलब आपके लाइफ में एक गुरु है जिन्होंने आपको मेडिटेशन सिखाया और शायद आप रेगुलर कर रहे हो उसको, है ना? दैट इज द रीजन आपको वो निकालना पड़ा. यस सर, मैं हर रोज करती हूँ ना मेडिटेशन. मैं निकालूंगा आज मेरा 20 इयर्स से. आप निकाल लो और ठीक है, आगे का भी कौन सा लगाना वो भी तो सीख लो ना फिर. ओ बिना सर मैंने भी निकाल दिया, मेरे पास भी था. वेरी नाइस. तो पेंडुलम वॉचेस आर ऐसे बहुत सारे वॉचेस है जो डेंजर सर आपके घर में है आपको पता भी नहीं. और आप स्पेशली वो फैमिली को जो डिस्टर्बेंस करता है ना वो वॉच घर में आता है तभी पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है. पूरा फैमिली मतलब दी मतलब आप समझो हस्बैंड वाइफ फादर मदर ऐसे सब जो लोग हैं, तो वहां पे अगर गलत वॉच आ जाए तो वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि घर पे कौन सा वॉच लगा रहे. और लगाना चाहिए वॉल क्लॉक जो है वो लगाना चाहिए, लेकिन अच्छा लगाना चाहिए. सर एक डाउट है, लाइक जैसे ग्राफोलॉजी में हम स्ट्रिंजर्स को करेक्ट कर लेते हैं तो हमारा फैमिली रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, लेकिन घर में घड़ियां अगर ऐसी पड़ी हैं तो इम्पैक्ट रहेगा उनका कि दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए? लेकिन इसमें इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग होता है स्ट्रिंगर्स का और स्ट्रिंगर्स का बोलो या फिर दी क्लब स्ट्रोक का बोलो, यहाँ पे भी एनालिसिस वही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग है. मतलब द वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट. ये साइंस है ना, तो आप अलग तरह से सोचोगे इसमें. सर डायरेक्शन विल आल्सो काउंट? सी हमारा अनुभव अब तक ऐसा है कि डायरेक्शन से हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हमको हमारे रिजल्ट्स हमेशा मिले. किसी भी डायरेक्शन में घड़ी रखा तो वो घड़ी ने वो मैनिफेस्ट किया है जो हमारी इच्छा. सर व्हाट अबाउट द डिजाइनर वॉचेस नाउडेज व्हिच आर कमिंग, लाइक कुछ डिजाइंस हैं एंड सेंटर पे कुछ क्लॉक है. जो लोग ऐसे बहुत फंकी डिजाइनर बड़ी बड़ी वॉचेस लगाते हैं ना, उन लोगों को टेंडेंसी होती है शो ऑफ करने की. वो लोगों को ना शो ऑफ करना अच्छा लगता है. व्हाट एवर दे हैव दे जस्ट वांट टू हैव द शो ऑफ. ग्रैंड सेल में दिखावा, जिसको दिखावा बोलते हैं ना, वो करने की इच्छा की बहुत होती है. सर व्हाट अबाउट कुकू? कुकू जिसमें चिड़िया बाहर निकलती है वो सब? वो आपको ना क्लास में सिखाएंगे क्योंकि वो बहुत स्पेशल है उसका. अच्छा. बहुत अमेजिंग है उसका स्पेशलिटी. मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा एग्जैक्टली. पर वो अच्छा है कि बुरा है सर? स्पेशल है. सर ऐसा एक वॉल माउंट ये आता है वॉच जिसमें फैमिलीज के फोटो और बीच में घड़ी, तो वही उसका क्या होता है? वो अभी ये तो सब देखो जितना डिटेलिंग जाओगे वो तो मैं एक्चुअल क्लास में सिखा पाएंगे. उसका एक बेस बनाना पड़ता है कोई भी चीज सिखाने के लिए. आप तो आपने तो लोगों में देखा ना कि धीरे धीरे इट बिल्ड्स.
ऑन है क्या, धीरे धीरे वो बिल्ड होते जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो एक बड़े पार्ट का, बड़े टॉपिक का छोटा सा हिस्सा है, तो वो बड़ा टॉपिक समझाए बगैर ये अपन नहीं बता पाएंगे। एक घर में आप अलग अलग वॉचेस रख सकते हो। देखो आप अगर मियां बीवी हो, आपके रिलेशनशिप खराब है, आपका हो सकता है, देखो एवरीबडी इज मैच्योर्ड वॉरियर, आपका अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप खराब है तो अलग तरह का वॉच होना चाहिए उसको एक्टिव करने के लिए। अगर आपको अगर थोड़ा सा अलग तरह का लाइफ चाहिए बेडरूम के अंदर, तो उसमें जो बेडरूम के अंदर लगाओगे उसमें वो बेडरूम की चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी। हॉल में लगाओगे तो हॉल में अलग चीजें मैनिफेस्ट होती है, किचन में लगाओगे तो किचन में अलग चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वॉल क्लॉक कहाँ जा रहा है, वहां पे उसका जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। सर मेरे एक क्वेश्चन है सर, प्लीज सर अलाउ मी टू स्पीक। आप बोलिए। हाँ सर, असल में मैंने आपका कोर्स किया था और ये अभी जो रिस्ट वॉच एनालिसिस ये फरवरी में शायद किया था, काफी टाइम बहुत समय हो गया उसको, उसके बाद तो बहुत बड़ा ये समंदर बन गया उसके बाद कोर्स। नहीं सर, अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ग्रेफोलॉजी में आप हर सैटरडे को क्लास लेते हैं, इसी तरीके से रिवीजन क्लास इसमें कुछ नहीं होगा ऐसा? अच्छा सर एडवांस कोर्स होगा इसमें? ये एडवांस ही, अभी जो हम लोग सिखा रहे हैं, आपने जो सिखा वो बहुत बेसिक था फरवरी में, अगर आपने किया है तो दैट वाज बेसिक। ये ना अक्टूबर के बाद दिस कोर्स हैज बिकम वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि फरवरी और मई में भी ओके ओके था, मई के बाद जो आरएनडी हुआ है और जो रिजल्ट हमको मिले है, तो दिस कोर्स हैज ballooned up इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी नॉलेज एंड रिजल्ट्स। तो आप ना ज्वाइन कीजिएगा, जो भी आपका वो फरवरी का फी है उसमें उसको हम लोग ये कर देंगे डिस्काउंट करके, आपको बचाव फी पे करके। सर ये पैकेज कितने का है? दूसरा ये कि मैं एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ सर, मैं उस समय जब मैंने कोर्स किया था तो आपने मेरे ब्रदर के वॉच की एनालिसिस की थी, तो इट वाज वेरी एक्यूरेट एंड माय ब्रदर वाज हाईली इंप्रेस्ड बाय इट एंड ही नीड्स योर कंसल्टेंसी इन दिस। हां हां बोलिए बोलिए सर। तो कंसल्टेंसी के लिए क्या मतलब? आप तुषार को कॉल करो, वो बता देगा आपको क्या चार्जेस है, कैसे होती है कंसल्टेंसी, एवरीथिंग ही विल टेल यू। ओके। और मैं चाहूंगा कि आप सीख लो, आप ही कर दो कंसल्टेंसी ना। नहीं सर मैं तो सीख ही रही हूं, मगर ये वो चाहते हैं कि आप ही उनको बताओ। ठीक ठीक, कनेक्ट टू तुषार, ही विल टेल यू। तो ये कोर्स जो है आप सभी को मतलब बता देता हूँ, दिस कोर्स इज ऑफ 10 डेज, 10 दिन आप सीखोगे और उसके बाद एक बार आपका ये होगा वर्कशॉप होगा, सपोर्ट वर्कशॉप। After the 10 days, once it will happen, 9 to 11, जो रात का समय उसी समय पे होगा, 10 दिन का वर्कशॉप है, and the fees of this course will be 20,000 rupees. 20,000 कोर्स है, और ये इसमें आपको थेरेपी सिखाया जाएगा कि कौन से, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा होने के लिए किस तरह का वॉच अपने पहनना चाहिए, जॉब नहीं लग रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, इनकम ग्रोथ आपको चाहिए, तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए उन सभी चीज़ों का क्या सोल्यूशन रिस्ट वॉच में से आ सकता है वो बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द अमेजिंग कोर्स, इफ यू वांट यू शुड डू इट। जो जो लोगों ने सीखा है, स्पेशली अभी रेस्टोरेंट में जो जिन्होंने सीखा है, दे विल बी एबल टू टेल यू द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे हैव गॉट। आपको अगर टेस्टिमोनियल्स देखनी है तो आप जो है हमारा यूट्यूब है वहां पे जाइए, वहां पे कम से कम आपको 100 के आसपास टेस्टिमोनियल्स है, द पीपल हैव लर्नड दिस एंड यूज दिस फॉर देयर ओन बेनिफिट। सर इसका कोर्स कंटेंट क्या रहेगा रिस्ट वॉच का? हाँ, like, क्या क्या चीजें कवर होंगी? हाँ रिस्ट वॉच का जो कोर्स कंटेंट है अब उसमें आपको, एक मिनट मैं आपको रिस्ट वॉच का ये बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पता चलेगी। वैसे ये जो है सिलेबस हम लोग यहाँ पे भी डालेंगे, अपना जो ग्रुप है we'll put the syllabus in the group, ताकि आपको पता चले। 20,000 उसका कुछ कंसेशन नहीं है क्या? 20,000 डिस्काउंट होना चाहिए था। हाँ डिस्काउंटेड प्राइस ही बोल रहे ना आपको, इसमें तो कितना सारा 3,000 देखा था मैंने क्लास। हाँ, करेक्ट देखा था, उसमें और बढ़ देगा क्योंकि ना आरएनडी इतना अच्छा हो रहा है ना अभी, वी आर एबल टू डिकोड द थिंग्स एट अ मच हायर लेवल, मच हायर रिजल्ट्स है ना, वो सब चीजें जो है। इसके कारण द कोर्स प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग, नॉट बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट इट, इट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर एबल टू, सॉल्यूशंस वी आर एबल टू गिव यू। ग्राफोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन था, वो अभी शाम को पूछे ना 9 बजे से पूछे। अच्छा वो 9 बजे है क्या वो वाला?
हाँ वो सेशन 9 बजे तो, पर मुझे तो उसका कोई लिंक आया नहीं, तो आएगा ना, वेट करो ना, 9 बजने के बाकी है ना, 9 बजने ओके। पर सर मुझे ये पूछना था, 3 और 4 लेवल के लिए आपने प्राइस डबल कर दिया। हाँ तो आपने किया क्यों नहीं जब आपको पहली बार पता चला था कि कम है? नहीं पता लगा सर मुझे। हाँ तो नहीं, पर कभी तो भी आपको कम था, ये भी तो पता था ना? नहीं मालूम था, ये मालूम ही नहीं था सर। ठीक है, नो इश्यूज। हमने वैसे डाला था ग्रुप पे, वी हैव पुट इट ऑन द ग्रुप, यू नो, हम लोग ना आपको रेगुलर इन्फॉर्म करते हैं, कितने सारे मैचेस डाल देते हैं, लास्ट चांस, गो फॉर इट, डू इट, वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट। यस सर, मैंने तभी कर लिया था। हाँ, मैंने, हमने बहुत मैसेज डाले हैं सभी लोगों को, और जब आप जो है वो आपने नहीं किया तो फिर यू मिस्ड इट। यू हैव टू बी वेरी वेरी अजाइल इफ यू आर विद अस, यू हैव टू, हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं। आपको पता है कल कितने लोगों ने ज्वाइन किया ग्राफोलॉजी? डू यू नो हाउ मेनी पीपल ज्वाइन यस्टरडे? 21, कैन यू इमेजिन दैट? 21 लोगों ने कल ज्वाइन किया, अगली बार वापस 21 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यू हैव टू मैच योर टेम्पो विद अस, आपको जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी यू नो, इट्स लाइक हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू अर्न थ्रू ग्राफोलॉजी विथ मी? कितने लोग ऐसी इच्छा है कि मेरे साथ ग्राफोलॉजी में पैसे कमाए, यू नो? सो यू विल हैव टू डू इट वेरी फास्ट। आप जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करो, एक्सपर्ट बनो, यू कंप्लीट माई कोर्सेस। जो जो लोग ये ग्रैंड मास्टरी कोर्स है, उसका नाम चेंज किया अभी, ग्रैंड आपका जो है मास्टरी, तो ग्रैंड मास्टरी कोर्स जो जो करेंगे उन सबको मेंटरशिप का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो एज अ मेंटर, तो आपको सीनियर मेंटर का मेंटरशिप मिलेगा, और सीनियर मेंटरशिप में आप सब लोगों को हमारे से पेमेंट भी मिलेगा। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न थ्रू अस, यू विल नॉट बी एम्प्लॉयड, यू विल बी वर्किंग विद अस, यू कैन हैव योर ओन इंस्टीट्यूट एज वेल। जो आपको करना है करो, हमारे साथ जुड़ के भी आपको पैसे, मनी अर्निंग का अवेलेबल पॉसिबिलिटी है। और ये साल वी आर गोइंग टू क्रॉस 1000 स्टूडेंट, आप लिख के ले लो, कांग्रेचुलेशंस सर। 1000 लोगों का हमने टारगेट रखा है, और मैं चाहूंगा कि आप में से 20 मेंटर नए बने, और हर एक के पास मिनिमम 50 स्टूडेंट्स मैनेज करने के लिए, दैट इज व्हाट आवर गोल इज लाइक। सो यू पैकेज वैकेज हमारे इधर नहीं होता, जिसको सीखने का वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखने का वो रोते रहेगा, यू नो, इट्स लाइक इट्स लाइक द पर्सन हु इज हंग्री विल ओनली ग्रो। और ये सेल्फ डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, मतलब वी ऑल हैव बीन इन्वेस्टिंग दैट, इट्स द ओनली वे टू ग्रो इन लाइफ इज टू इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ। मैंने अभी अभी 2-3 क्लासेस लगाए, वापस एक क्लास खत्म होता तो मैं वापस एक नया क्लास ज्वाइन करता हूँ, नया क्लास लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि ग्रोथ वहीं पे है। और आप पैसे के लिए देखो, नॉलेज के सामने पैसे की वैल्यू मतलब जीरो रखो, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे एक सादे इंसान के पास जिसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन, एक चीज आपको फायदा ही करके देगा। मेरी लाइफ में जब जब मैंने किसी भी मेंटर को या किसी भी गुरु को पेमेंट किया हुआ है, भले उसके पास नॉलेज नहीं था, मुझको उसका फायदा हुआ। आई हैव लर्न्ड समथिंग एंड इट हैज हेल्प मी टू ग्रो। स्पेशली मैंने एक इंसान को इसके लिए दिया था, आई हैड पेड मनी टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, 50,000 आई पेड, एंड आई वाज नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट उस व्यक्ति ने रात को 9 से 11 सिखाया मुझको रात को। और मैंने देखा कि बैच में 40-50 लोग थे, देयर आई रियलाइज कि आई कैन टीच एट इन द नाइट बिकॉज पीपल आर रेडी टू लर्न। और उसके बाद देखो मेरे बैचेस कितने रेगुलरली 9 से 11 हो गए, नहीं तो हम लोग वीकेंड का बैच लगाने की कोशिश करते थे, वो होता ही नहीं था। आर यू गेटिंग इट? So this is a beauty. When you pay to a consultant or coach or mentor, you always grow. कुछ तो भी एक चीज़ जो आपको क्लिक करेगी और वही आपको फायदा दिलाएगी। So never be afraid of investing money. Sir, higher education के लिए भी wristwatch help करता है sir? Yes, अगर आप PhD कर रहे हो, okay. अगर आप PhD कर रहे हो और आपको expertise चाहिए, या फिर आप अच्छे अच्छे marks लाना चाहते हो, है ना? जैसे बच्चों को मेडिकल में डालना है या एग्जाम्स के लिए उनको तैयार। अगर आप कोई IIT का एग्जाम है, इसका एग्जाम है, उसका एग्जाम है, तो उनके लिए भी ये वॉचेस जो है मदद करती है। दिस इज द सिलेबस इफ यू सी, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या क्या आप चीजें आप सीखने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च और साइंटिस्ट के लिए किस तरह का वॉच अच्छा है, पॉलिटिशियन के लिए कौन सा वाज अच्छा है, पॉलिटिशियन के साथ आपके रिलेशनशिप बनता है, गवर्नमेंट से आपको मदद चाहिए, यू नो गवर्नमेंट का काम आप करते हो टेंडर इन, तो उसके लिए चाहिए आपको, बड़े पैसे वाले लोग चाहिए तो क्या रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, कौन से रिसर्च को हमेशा क्लाइंट मिलेंगे,
कौन से रिस्ट वॉच में इंक्वायरीज को जनरेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज कहाँ से मिलेगी? टेक्नोलॉजी, अच्छा कौन से रिस्ट वॉच अगर आप यूज करते हो तो आपकी कंपनी में, अगर आपका टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वॉच है तो आपको क्या होता है वो लोग उस तरह के मिलते हैं, और आपका ऑफिस इस तरह का होता है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा, मतलब आप सॉफ्टवेयर का कंपनी चलाते हो तो उस तरह वहाँ पे इस तरह का वॉच अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। प्रीमियम क्लाइंट के लिए किस तरह का वॉच आपने यूज करना चाहिए? हाँ, कौन सा रिस्ट वॉच ऐसा है जो आपको, मतलब समझो आपने गोल रखा है लाइफ में कि आई वॉन्ट टू रीच टू 100 crores इन टर्नओवर, तो वैसे में किस तरह का वॉच आप पहनेंगे तो आपका ये ड्रीम जल्दी मैनिफेस्ट होगा? कोई भी एक बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम है, तो उसको मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सा वॉच ज्यादा फर्क यूज में आएगा, वो एक चीज है यहाँ पे। फिर अगर आपको बातें कम करना है फिर भी आपका काम हो जाना चाहिए ऐसा लगता है तो उसके लिए अलग वॉच है। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड में आपको रिस्पेक्ट बहुत मिले, आपका सम्मान हो, उसके लिए वॉच अलग है। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारा लग्जरी आ जाए, गाड़ी अच्छा हो, घर अच्छा हो, बंगला अच्छा हो, पति अच्छा मिले, तो है ना, काफी लोगों को मैरिज में दिक्कतें हैं, तो मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग तरह का रिस्ट वॉच है। जैसे मैंने वो बेडरूम का बताया वैसे रिस्ट वॉच भी है जो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकता है। फिर प्रोजेक्ट, अगर आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम है तो उसके लिए किस तरह का वॉच पहनेंगे वो है। वाइफ के साथ रिलेशनशिप, इसमें हस्बैंड भी डाल सकते हो, जनरली हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम होता नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे वाइफ डाला है, ठीक है? आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट पर्सनल। यहाँ पे जो है वो प्रिवेंट डिवोर्सेस प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वॉचेस है वो है यहाँ पे। फिर अच्छा लाइफ पार्टनर, अगर शादी नहीं हुई है और अभी भी आप पार्टनर ढूंढ रहे हो दोनों केस में यू विल गेट अ वॉच फ्रॉम अस। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस पार्टनर इन सेकंड केस, ठीक है? तो यहाँ पे जो है फैमिली के लिए अगर आप चाहते हो कि फैमिली के लोग मदद करें, फैमिली के लोग सपोर्टिव है, तो उसके लिए कौन सा वॉच है? गवर्नमेंट सपोर्ट मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए वॉच। प्रॉपर्टीज आपके लाइफ में अच्छी, अगर आप घर खरीदना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, तो किस तरह का वॉच आपने पहनना चाहिए? फिर क्रिएटिविटी, आप उस फील्ड में हो जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी बढ़ाना है तो आप उस तरह के लिए अलग वॉच। फिर लॉसेस बाय इंपेशेंस, कई लोगों का ना डिसीजन मेकिंग की इश्यूज बहुत होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग तरह का वॉच है जो डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगा, पेशेंस आपका बढ़ा देगा। स्मार्ट वॉचेस, अच्छी या बुरी है, कौन से केस में अच्छी है, कौन से कुछ में बुरी है, वो आपको बताएंगे। और ये हाई पेइंग क्लाइंट्स एंड एज वेल एज ओके गुड एंड लविंग रिलेशनशिप विद पीपल, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपका आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे, वो सब चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे किस तरह के वॉच आपको इस तरह का सपोर्ट लोगों से लाने में मदद करें, ठीक है? इंटरेस्टिंग है कोर्स सिलेबस सर? बड़े गोल अचीव करने के लिए ब्रांड भी मैटर करती है सर? नहीं, ब्रांड नहीं मैटर करता। अच्छा, मतलब एक नॉर्मल आदमी है उसको आप ही रेमेडी दे रहे हो तो वो उससे अपने गोल अचीव कर सकता है 100%। उल्टा रैडो की वॉचेस में कभी सपोर्ट नहीं करता, रैडो की वॉचेस मेरे को अच्छी नहीं लगती बिकॉज़ दे डोंट हेल्प यू टू अचीव व्हाट यू वांट मोस्ट ऑफ देयर वॉचेस। ओके, एप्पल अभी सभी सीक्रेट आज ही नहीं मिलेंगे पर आप जो है यू कैन गो फॉर ग्रेप्स। सर जो डिजिटल वॉचेस होती है और उसके साथ डेट रहती है और ये टेम्परेचर वो सब सिखाएंगे कि टेम्परेचर तो उसका मीनिंग क्या है, अल्टीट्यूड भी दिखाता है उसका मीनिंग क्या है, डेट दिखाता है इसका मीनिंग क्या है, डे दिखाता है उसका मीनिंग क्या है, कहीं कहीं पे डी पूरा लिखा होता है, कहीं पे सिर्फ एक अक्षर होता है उसका डॉट रहता है, करेक्ट? अगर 12 की जगह पे आपने अगर लोगो यूज किया तो उसका मीनिंग क्या है, अगर वो लोगो के नीचे लाइन लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, अगर आपके कार्टो के अंदर होल है तो उसका मीनिंग क्या है, अगर आपके कार्टो का बेस बड़ा है टिप छोटा है तो उसका मीनिंग क्या है, टिप बड़ा है बेस छोटा है तो उसका मीनिंग क्या है, यू नो इट्स ओशियन इन इटसेल्फ, समंदर है ना, अगर वो अलग अलग चीज है, अगर आपके वॉच के अंदर कैट है तो उसका मीनिंग क्या है, बंदर है तो उसका मीनिंग क्या है, यू नो अगर डॉल्फिन है तो उसका मीनिंग क्या है, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग इनटू? सो दिस इज बहुत सारी एप्पल वॉच भी आप अगर आप एप्पल वॉच पहन रहे हो तो आई विल अर्ज यू नॉट टू वेयर इट, आपने एप्पल वॉच नहीं पहनना चाहिए, ऑल दोज पीपल हु आर वेयरिंग एप्पल वॉच, मैं रीजन नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे, लेकिन एप्पल वॉच इज नॉट गुड। डुएट वॉचेस जैसे हस्बैंड वाइफ का जो होता है वो, हाँ उसका भी सिग्निफिकेंस है, वो भी मैं बताता हूँ वो भी। और बहुत सारी चीजें, हस्बैंड वाइफ को वॉच गिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरह का करना चाहिए उसका भी रूल है। आपने किसी और व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहिए, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, दोस्त को,
टू हुम यू शुड गिव वॉचेस एज अ गिफ्ट, इसका रूल है। From where we got a perfect watch? अच्छा वो तो आपको Amazon से मिल जाएगा, Amazon है, Flipkart है, so many people are there to supply you the watch. सर आप ये mentorship का क्या बता रहे थे? I missed that part. मैंने late join किया. Which mentorship? सर अभी आप कुछ बता रहे थे ना, you will be making mentors. हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग ना अभी we are growing, no? हम बहुत सारे students आ रहे हैं अभी सीखने के लिए, तो we already created 6 mentors का group जो आज हम लोग announcement करेंगे। तो 6 mentor हमने अभी final किए, इन 6 mentors में से कुछ लोगों का promotion होगा अगले 2-3 महीने में, they will go to senior mentorship, वहाँ पे they will be getting paid by us to do certain things। तो ऐसे हम लोग आप में से ही कुछ जो graphologist है उनको graphology का ही काम करवाने वाले future में, this is a huge opportunity for all of you to earn money through graphology। और कुछ कुछ चीज़ें हम उनको अलग से जो है जो मेंटर चूज होंगे उनके साथ, मेरा जो है हर हफ्ते में मतलब ट्वाइस इन अ मंथ आई विल बी हैविंग वन ऑन वन सेशंस विद देम, वन ऑन वन सेशंस दैट विद दैट ग्रुप, एंड आई विल आल्सो बी टेलिंग देम समथिंग सम यूनिक थिंग बिकॉज ऑफ विच दे विल बी एबल टू हैंडल यू बेटर ऑल अदर पीपल। सो ऐसे ट्रेनिंग चलेगा सिस्टमेटिक, और वी आर ट्राइंग टू अचीव अ ह्यूज गोल ओवर हियर कि 10-15 हज़ार स्टूडेंट हो जाए और सभी स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो कि उनको सही नॉलेज मिल रहा है, उनके साथ सही अच्छा काम हो। सर वो ग्राफोलॉजी में है, रिस्ट वॉच में नहीं है ये मेंटर? अरे रिस्ट वॉच का एक सब्जेक्ट है, थेरेपी का सब्जेक्ट है, आप यूज कर ली सीखो और थेरेपी देना चालू कर दो आगे, उसमें क्या सर? जो भी थेरेपेटिक साइंस है उसमें मेंटरशिप वगैरह नहीं होगा, है ना? थेरेपी ना वो आपको जैसे लोगो हो गया, यू नो द रीजन यू यूज इट यू गिव द रिजल्ट, ग्राफोनिमोरो है यू नो एवरीथिंग यू यूज इट एंड यू गिव द रिजल्ट, तो क्या हम ये रिस्ट वॉच से रेमेडी दे के हम उसको अचीव करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस किया सर? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर है यस। हम लोगों ने कई बार ये अनुभव किया है कि कुछ ग्रह गलत है जो और वो डिनाय कर रहे हैं सिचुएशन को, और घड़ी ने उसको सपोर्ट किया, घड़ी से वो मैनिफेस्ट हुआ। तभी सर हम दे पाएंगे ना उसको कॉन्फिडेंटली। यस यस, वी हैव सीन दैट कि घड़ी हमने उस इंटेंशन से दिया, वो तो मैंने बाद में सीखा एस्ट्रोलॉजी वगैरह, बट आई सीन ओके हमने दिया और उसको फायदा हुआ। सर ये कब से मन में था मेरे, और मैंने कहा आज पूछ ही लेती हूं, पता नहीं सर को कैसा लगेगा, लेकिन नहीं इट्स अ राइट क्वेश्चन, वी हैव सीन दैट कि घड़ी has taken the precedence over the, क्योंकि घड़ी कहीं ना कहीं शनि का काम करता है, शनि यार घड़ी जो है मतलब घड़ी जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसीलिए और शनि जो है वो कार्मिक देवता है, कर्म का देवता है, तो कर्म करते हो तो उसका रिजल्ट ग्राफोलॉजी या अपना एस्ट्रोलॉजी करता ही है, ठीक है? यहाँ पे जो घड़ी जो आप देते हो तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज द शनि पावर, और शनि हमेशा कर्म का रिजल्ट देता ही देता है, तो घड़ी का भी रिजल्ट देता है। सैटर्न डिले रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा तो नहीं इसमें मतलब नहीं। सैटर्न के कई रूल्स हैं। तो सैटर्न का खुद का एक रूल है, वो टाइम कीपर है। टाइम का पाबंद होता है सैटर्न। यस। टाइम कीपर वो है। ओके। टाइम को वो परमिशन देता है कि दिस इज द टाइम। ओके फाइन। इसलिए घड़ी का यूज करके हम वो टाइम को नलिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कोर्स है ये कोर्स जो है वो चालू होगा आपका 17th of May, 17 मई को ये कोर्स चालू हो रहा है, रात को 9 से 11, ठीक है? आपने शनि वाला टाइम रखा है 17 घड़ी के लिए? अरे ऐसा नहीं, I wanted to have a rest for 1 week, तो बीच में हमने 1 week का गैप रखा है। Yes, yes, yes. Once we finish this, लोगों का बैच अभी चल रहा है, उसके बाद 1 हफ्ता आराम है, उसके बाद फिर वापस से गिव इट। सर मुझे लोगों का भी नहीं हो सकता है, लोगों का सर मुझे लोगों का पूछना था, लोगों का इज डिफिकल्ट, मतलब हम कर सकते हैं? मुझे थोड़ा मुझे आता नहीं बिल्कुल ड्राइंग। आर यू देयर टू टॉक? इनेलिज इज करंटली गोइंग थ्रू द बैच राइट नाउ, 5 दिन उनके हो गए। इनेलिज कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट? सर नो नो नॉट एट ऑल, यस यू हैव टू कंसंट्रेट एंड do the homework whatever he told.
अरे दैट तो इज फाइन, बट मेरे को लगा कि बहुत साइंटिफिक लोगो है, बहुत ज्यादा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं नहीं वैसा ऐसा कुछ नहीं, ड्रॉइंग विंग वी डोंट नीड टू डू दैट। आपको बनाना नहीं सिखाते हमको, हम लोग सोचना सिखाते कि ऐसा लोगो होता तो इसके लाइफ में क्या होता है, फिर ये स्ट्रोक रहेगा तो इसके लाइफ में क्या होगा, फिर ये स्ट्रोक रहेगा तो इसके लाइफ में क्या होगा, दैट इज हाउ वी टीच। ये कलर रहेगा तो क्या, ये शेप रहेगा तो क्या, ये प्लेसमेंट रहेगा तो क्या, ये फॉन्ट रहेगा तो क्या, वो सब चीजें सिखाते। Okay. और सर अगर इसकी कंसल्टेशन करवानी हो पहले तो तुषार है, उसको कॉल कीजिए, वी विल गाइड यू। सर नमस्ते, रश्मि। यस रश्मि जी बोलिए। सर आई हैव जॉइंड योर ऑनलाइन ग्राफोलॉजी क्लास। आई नो दैट इज द ओनली रीजन यू आर ओवर हियर, यहां पे सब स्टूडेंट है हमारे। अच्छा नहीं सर, वो तो उसके लाइव क्लासेस स्टार्ट से कभी होने वाले हैं, मतलब अभी मैंने लास्ट वीक जो ज्वाइन किया था संडे के दिन, हाँ, हुआ था, हाँ, वो स्लैंट वाली लाइनिंग का सब बैच आज, हो रहा, तो आज फॉन्ट को होगा आज, हाँ, तो थोड़ा वक्त दीजिए। देखो ये ग्राफोलॉजी जो है ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, ग्राफोलॉजी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यस और नो ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ तो आपको थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए, अगर दो तीन बार नहीं समझता है तो डोंट बीट यूर सेल्फ। मुझको 3 साल लगे मास्टर करने के लिए, myself took 3 years same subject ko bar bar study karke, to aap regularly attend kijiye session, 2-3 session ke baad you will start grasping it, but sir main wo cheez tak pahunchi nahi hu, matlab aap jo bata rahe wahan maine aapke online records dekhe hi nahi hai, don't worry, start wale se kaise jayenge wo main bata, aap jo hai rashmi ji aap na shuruaat se wo pure videos dekh lijiye, complete kar dijiye and then you join the live courses, aapko samajhna chalega ki kya chal raha hai। न्यू मेंबर्स के लिए नए सिरे से अपने ही स्टार्ट करते हैं, करेंगे ना, पहले आप तो खत्म कर दो ना, जो ऑनलाइन का वीडियो है रिकॉर्डिंग उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको वो देखने पड़ेंगे, मतलब देखने हाँ, पड़ेंगे। वो तो देख रही हूँ, पर वो देख लो। फिर जरूरी है क्या ऑनलाइन क्लास बीच से ज्वाइन करना, इसीलिए आप करोगे तो आपको एडवांटेज है, नहीं करते हो पूरा खत्म करके आते तो और ज्यादा एडवांटेज है, कोई प्रॉब्लम। इफ यू वॉन्ट टू अटेंड यू अटेंड राइट नाउ, if you want to attend afterwards, वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, खाली सुनते रहो, कुछ मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो टॉपिक मैंने आपका ऑनलाइन वाले में पहुंची नहीं ना, अभी मैं मार्जिन्स में ही हूं, सेकंड डे जस्ट जॉइन किया लास्ट वीक सर। तो आप ना 2-4 वीक ना मत आइए ऑनलाइन में, लाइव में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, आधा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद यू विल जॉइन द लाइव। तो फिर आप और आगे निकल जाओगे। अरे चिंता मत करो, मैंने जो बोला कुछ तो सुनो ना, यू डोंट आर्ग्यू, यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, कि आप 4-5 जो दिन है उसके वो कंप्लीट कर दीजिए और फिर ज्वाइन कीजिए, फिर हम वापस से बात करेंगे, ठीक है? इतना सुन लीजिए, हम कहीं भी पहुंचे हम आपको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। वही सुनना चाहती थी, हम कहीं भी पहुंचे हो जाएगा ना, क्योंकि वापस आप कुछ चालू करोगे, वापस स्टार्ट करते ही होंगे ना स्टार्टिंग से। हाँ, फिर तो से आप जो है पूरे वीडियोस खत्म कर दीजिए, देखना वापस से ज्वाइन कीजिए, आपको सब पल्ले पड़ेगा। अच्छा, और एक सेशन है कल कुछ क्वेश्चन आंसर का, वो ग्राफोलॉजी का ही कि और सब आपकी? उसका ही है, लेकिन आप नहीं ज्वाइन किए तो भी चलेगा, बिकॉज दैट इज फॉर द पीपल हु हैव नॉट जॉइंड अस फॉर द फुल कोर्स। ओके ठीक है, तो फिर मैं उतनी देर में अपना वीडियो और देखूं ना, इसलिए पूछना चाहती। वेरी करेक्ट, तो जितने भी नए लोग हैं थोड़ा सा सबर कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए खुद को, बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट टू मास्टर। सुनने के लिए अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब आप करने जाते हो तो आपको समझता है कि आप बहुत गहरे पानी में हो, तो इट टेक सम टाइम। और वैसे मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है, फिर भी हो सकता है आपको थोड़ा वक्त उसमें लगेगा मास्टर करने का। ऑल ऑफ यू एग्री राइट? मतलब मोस्ट ऑफ यू, आई डोंट नो। यस सर, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा पहले, फिर बहुत इजीली अभी समझ में आ रहा है। सर साक्षी हो, मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। सर ग्राफोलॉजी तो आई गेस मैंने फेब में ज्वाइन किया, बट आपका एक्सप्लेनेशन नो डाउट मैं बोलू इज सो वैल्यूएबल, आई वुड से वैल्यूएबल मतलब इट इज वेरी इजी टू ग्रास्प। लेकिन अब मैं ना सर आई टेल यू, जब दूसरों का मैं एनालिसिस कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेजूंगी सर, के जो वो मतलब मैं बोल रही हूँ ना वो 100% एक्यूरेट होता है उनका, एंड प्लस जब मैंने उनके सिग्नेचर्स भी उनको चेंज करके दिए ना, तो विद इन 3 weeks के स्पैन में उनके लाइफ में चेंजेस आए। सो दे आर एक्चुअली आई वांट टू से अ हार्टफेल्ट थैंक यू टू यू, दैट रियली आई एम लाइक यू नो आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड, बट रियली सर थैंक यू, आई वुड जस्ट से दैट। ग्रेट, एंड बाकी के लोगों के लिए भी मैं बोलूंगी ना, अगर आप इंटरेस्ट के साथ
थोड़ा टाइम ना ग्राफोलॉजी के लिए देंगे ना तो आई एम श्योर विद इन द लिमिटेड टाइम, आपने सोचा भी नहीं होगा उतने मतलब कम टाइम में आप सीख जाओगे। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा है, मैंने भी ऐसे ही चेंजेस देखे, एक महीना तीन वीक कि आपने सिग्नेचर चेंज दे दिया, उन्होंने अगर लगन से प्रैक्टिस किया, दिल से प्रैक्टिस किया, तो उनको रिजल्ट बड़े फास्ट मिलेंगे। उसके बारे में कोई क्वेश्चंस होगा तो कभी पूछना होगा, जब भी मैं अभी डे वन का फर्स्ट वीडियो मेरा खत्म हो गया। रश्मि जी आप क्या कीजिए, सुनिए, आप ना पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, जो पूरा कर लूं। अच्छा, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसको लेके आप इन्फॉर्म करो, नाउ आई एम रेडी, आपके वो सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर अगले वाले डाउट लिख के ही रख दू। यस Yes. अभी वीडियो वन खत्म हुआ है, सेकंड वाला खत्म होने को है। आई एम गोइंग टू द वाइड राइट मार्जिन्स एंड वो वाले पार्ट पे आई हूँ। हाँ हाँ, आप चलिए, मतलब पहला एक बार कंप्लीट कर दीजिए, वन राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड में वी विल हैंडल योर क्वेश्चंस, थर्ड राउंड में वी विल स्टार्ट डूइंग मिरेकल्स विद इट। ठीक है, यस सर, यस सर, आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, आई कैन लर्न, बट आई वांटेड टू जस्ट आस्क कि अभी वो वाले ज्वाइन करूं नहीं करूं, कैसे करूं, वो पूछना। आप करोगे तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप करो और वहां पे बैठो। सी, मैं समझा तो मेरा जर्नी, मैंने ना जनवरी में आई स्टार्टेड लर्निंग दी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एस्ट्रोलॉजर? नोबडी। ठीक है, ग्रेट, अच्छी बात। सॉरी सर, आई डिडंट नो द क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया जनवरी में। तो जनवरी में मेरी वाइफ को मैंने बोल दिया कि मुझको लगता है मैं जिंदगी में कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, टू मेनी कैरेक्टर्स, टू मेनी थिंग्स, टू मेनी प्लांट्स, ये वो सब 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 चीजें। बट यू नो वॉट, every day I made sure that I am watching videos of my guru. कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसे कितने महीने गए रहेंगे आपको लगता है मैं हर रोज मैंने एक वीडियो देखा होगा? How many months? Can you imagine? Till the month of April, चार महीने मैंने लगातार एक वीडियो हर रोज दिन देखा, फिर भी कुछ नहीं समझ रहा है। And in the month of May, I started understanding it. Now, I have started teaching it. अभी मैंने कुछ batches भी conduct किए astrology को लेके। So this is the way you need to approach subjects. अगर नहीं समझ रहा है तो भी don't lose the hope, stick with it, listen to it, again और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार, धीरे धीरे it gets into your subconscious mind. कोई भी subject नहीं समझता है ना तो मैं डरता नहीं हूँ, I know, I will take time. और जब समझता है तो बहुत अच्छे से समझता है, तो give some time and it will get into your mind. सर, ऐसे स्टूडेंट्स को एक वॉच सजेस्ट कर दीजिए तो वो सब ठीक है। तो देखिए, ये ऑफर आप सभी के पास है, यू मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस बैच। मतलब इस बैच में लेट मी टेल यू द नंबर विच वी आर टारगेटिंग, ओनली 30 स्टूडेंट्स। ओके, 30 स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे अलाउ करने वाले रिस्ट वॉच एनालिसिस और थेरेपी में। और अभी जो है ये पहला चांस मैंने आप लोगों को दिया है, बिकॉज यू आर माय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। अब अगले वीक से इसका ऑनलाइन प्रमोशन चालू होगा, और ऑनलाइन से वी माइट गेट 25 स्टूडेंट्स बहुत इजीली। मतलब वी विल स्टार्ट डूइंग द बूट कैंप फॉर ऑनलाइन टीचिंग, और बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी, योर चांस टू ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि ये बहुत दुनिया में एक ही इंसान सिखाता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि दुनिया में एक ही इंसान ये सिखाता है, इसीलिए 30 लोगों को गैदर करना बहुत ईजी काम है। जिन लोगों ने मई में भी किया था, वहां पे 65 लोगों ने ज्वाइन किया था। ठीक है, so this is the scope for all of you, don't miss this chance to learn this live. Any questions? हाँ सर, मैं कोर्स में जाके ही हम लिंक पे वो करेंगे ना सर? नहीं नहीं, लाइव कोर्स चलेगा ना, लाइव वेबिनार होगा। नहीं नहीं, ये पेमेंट जो है, पेमेंट के लिए आप जो है ये नंबर पे आपके पास किसका नंबर? श्रद्धा का है, तुषार का है? श्रद्धा का है। नहीं, लेकिन सिर्फ हमारा जो ग्राफोलॉजी का कोर्स है उसमें भी ये है, तो वहाँ पे क्लिक करके नहीं, वहाँ पे मत कीजिएगा। ओके, वहाँ पे मत कीजिएगा, इट काइंड ऑफ यू नो डिडक्ट्स मच मोर चार्जेस, वो यूएस से होके पेमेंट घूम के आता है। ओके, ज्यादा चार्जेस कट होते वहाँ पे, तो यू पे टू अस डायरेक्टली थ्रू श्रद्धा और थ्रू व्हाट आर नेम अपना, ये तुषार और श्रद्धा के थ्रू आप कर सकते हैं। श्रद्धा, आई नो श्रद्धा, क्योंकि ग्राफोलॉजी 3-4 उन्हीं से मैंने वो करवाया। शी इज द राइट पर्सन टू कांटेक्ट, एंड थ्रू देम यू विल बी एबल टू डू इट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, श्रद्धा इज देयर इन द ग्रुप? या श्रद्धा नंबर इज इन द ग्रुप? या लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट द श्रद्धा नंबर। एक मिनट, मैं पोस्ट कर देता हूं।
देखो ये इनका धवल जी का कुछ कहना है, धवल जी बोलिए, ग्राफलो जी आप, धवल जी का एक क्वेश्चन था, आर यू देयर धवल जी, आर यू देयर राइट नाउ? हाँ सर, यही ये इनका एक क्वेश्चन था कि इनको इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत था, तो इन्होंने बोला कि सर मुझको लगता नहीं मैं ये कोर्स सीख पाऊंगा क्योंकि आपने इंग्लिश में बहुत बड़बड़ किया, ऐसा उनका कहना था। ठीक है जी सर, बहुत बहुत सही बात है। तो आप बताओ आपने कैसे सीखा फिर आखिरकार? एक्चुअली सर आपका मैंने ग्राफोलॉजी का सबसे पहले जुलाई में ज्वाइन किया था, जुलाई 2020 जब ये लॉकडाउन मतलब चरम सीमा पे था सर, उस वक्त की बात है। और आपका सेशन जब मैंने पहला वीडियो देखा तब से मैं डिस्टर्ब हो गया कि ये कैसे मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जुलाई का जो सर आपने वीडियो भेजी है जो मेरे पास अभी है वो थरोली इंग्लिश में है। अभी तो आप सर कभी कभी बीच में हिंदी वर्ड भी यूज किया करते हो, लेकिन उसमें तो शायद 100 में से 99 वर्ड्स आपने इंग्लिश में यूज किए और वो 99 में से 90 वर्ड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है, क्योंकि मैं सर थरोली गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने फिर भी बार बार वो जो सब आपने वो अर्ध नारेश्वर वाला जो मेरे हिसाब से सबसे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैंने करीब करीब सर वो वीडियो 10 से 12 बार देखा होगा तब जाके मैं उसका 10% समझ पाया हूँ। लेकिन आज सर इतना है, मैं अभी भी सर आपको बताऊं सर, मैंने आपसे 2 महीने पहले भी बात किया था तब मैंने 77% कोर्स कंप्लीट किया था, अभी भी मैं सर वो 77% पर ही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ा। मैं बीच में आपके जो एवरी सैटरडे सेशन होते हैं वो मैं अटेंड करता हूँ, मैं उसमें बोलता कुछ नहीं हूँ लेकिन सर मैं उसमें लर्न करता रहता हूँ कुछ ना कुछ पॉइंट आप जो बोलते हो, क्योंकि अभी वो सेशन में 50-50% हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होता है तो मेरे लिए वो काफी कंसेप्ट क्लियर होता है सर। बट मेरा कहना क्या है कि आप उसके बाद समझ के यूज कर पाए कॉन्सेप्ट्स को एनालिसिस के लिए वगैरह? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल आपके जितना या किसी यहाँ पर ग्रुप में बाकी सब लोगों की काफी नॉलेज है, लेकिन सर मैं मेरे जो आसपास में मेरे जो कंपेनियन है मेरे जो साथी है ना उनके हैंड राइटिंग के कुछ ना कुछ तो उनको एडवाइस कर देता हूँ, 10 में से 8 बार तो वो लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला ये सर हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है और आप उसको यूज भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर 100%। और देखो सबसे पहली बात, कभी भी अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, स्पेशली धवल जी आपके लिए भी जी बिल्कुल, कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने ना एक इंसान से हमेशा खुद को कंपेयर करना चाहिए। इंसान कौन है पता है आपको? हम खुद कंपेयर, क्या लगता है आप बाकी लोगों को? आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद से खुद को कंपेयर करना चाहिए कि मैं जीने कहां से चालू हुआ और आज मैं कहां पे हूं। इसके अलावा किसी आपको बिल्कुल भी हक नहीं है किसी और के साथ कंपेयर करें कि इनका एनालिसिस मेरे से बेहतर है, ये इनको ज्यादा नॉलेज है। नेवर यू शुड डू दैट, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और उनका स्टार्टिंग पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क है। सो यू नेवर शुड, कभी मैं आपको अभी भी बोलूंगा सभी लोगों को कि कभी भी आप अगर कंपेयर कर रहे हो खुद को तो नेवर शुड यू कंपेयर यूर सेल्फ विद एनीवन एल्स। यू आर यूनिक, यू आर गिफ्ट ऑफ गॉड टू दिस अर्थ, कंपेयर यूर सेल्फ टू यूर सेल्फ। आपको पता नहीं है कि दूसरे के लोगों के कितने प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे लोगों ने कितना हेल्थ देखा हुआ है। तो आप जो है धवल जी, आप बिल्कुल ये मत बोलो कि इनकी तो कंपेरिजन में मेरा कम होता है एनालिसिस। आप जो कर रहे हो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके आजू बाजू में देखो किसको आता है ग्राफोलॉजी, आपके एरिया में यू आर द ओनली पर्सन राइट। सर मैं आपको बताऊं ये भी मैंने कब स्टार्ट किया, जुलाई में जब मैंने लर्न करना चालू किया तब से नहीं, लेकिन आपसे मैंने ग्राफो न्यूमेरो किया, जिसमें यहाँ पर इस ग्रुप में एक दो कंपनी है जिन्होंने मेरे साथ में ग्राफो न्यूमेरो में था, और उसमें एक बार आपने बोला कि धवल जी आप गुजराती में वहां पर स्टार्ट कर दो। सर मैं बताऊं उसी मोमेंट पे आपने और रविंद्र सर ने जब ये बोला तब जाके मेरे दिमाग में आया कि यार अब तक मैंने क्यों नहीं किया, ये सर ने बोला और मुझे उस वक्त सर रास्ता दिखा और उसके बाद से सर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया एक आध दो का। सर मेरे स्टाफ में कहा सर मेरे मैंने ऑफिशियल सिखाना चालू नहीं किया सर, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत एनालिसिस, क्योंकि कॉन्फिडेंस जितना जरूरी है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। मेरे स्टाफ में सर करीब 100 लोग हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं सबके सब सर मेरे टीचर्स, तो मैं कुछ 100 सर या टोटल टीम मेरी 100 की है सर, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों का स्कूल है मेरा। तो उसके आपने अगर लॉन्च किया तो 10 स्टूडेंट तो ऐसे आ गए आपके पास? नहीं सर लॉन्च नहीं किया है, मैं अभी प्रैक्टिस करोगे करोगे तो 100 में से 10 तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो सर बिल्कुल ये करूंगा और आपका आशीर्वाद रहा ना सर। मैं आप 10 की बात कर रहे हो, मैं मेरे ग्रुप में जैसे अभी आपने वो रिस्टवॉच वाला बताया ना कि जिसको मतलब रिस्टवॉच गिफ्ट में मिली है तो मतलब वो पॉपुलर होते हैं जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं वो फीमेल में, मेरे स्टाफ में सर 100 लोग हैं ना, 100 में से 90 लोग फीमेल है सर, 90 टीचर लेडीज है। तो सर ऐसा है कि अगर मैं कोई वर्ड बोलता हूँ ना
तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है, इतना मैं बोलता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद में एक डिफरेंट रिस्पेक्ट हो गया मेरा। करेक्ट। तो पहले मेरा जी मैसेज आ गया सबको, अभी हम लोग वन टू वन में बात करेंगे, तो आपको सबको मैसेज समझ गया कि हाउ पेशेंस स्टडी, हम लोगों का एफर्ट्स, आपके सीनियर जो है उनकी मदद से आप सब लोगों का जो फ्यूचर है सिक्योर्ड है एज अ रिस्ट वॉच, सॉरी ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है सर, आई वांट टू आस्क सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ग्राफोलॉजी हमने सीखा। हाँ एक मिनट, मानसी जी का ले लो, तो मानसी जी का क्वेश्चन अब तक नहीं लिया। मानसी बोलिए पंचा। सर मैं ग्राफोलॉजी मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया और अभी मेरा 12th आज चालू होगा और आज से मैं सपोर्ट सेशन भी चालू करने वाली हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, बिकॉज आई एम जस्ट 21 एंड आई वुड लव टू परस्यू दिस करियर। उसका जो ठीक है, उसका जो नाम है अभी चेंज हो गया, ग्राफोलॉजी 3 और 4 में उसका नाम है हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, उसका नाम अभी आप 3 और 4 मत बोलो, वो क्या बहुत ऑड लगता था, मैंने बहुत सोचा कि उसका नाम क्या रखूं। आई हैव कम अप विद द नेम ग्रैंड मास्टरी कोर्स। तो ग्रैंड मास्टरी कोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो डिसीजेस और मैनिफेस्टेशन को लेके है, ये कौन सी चीजें कैसे आपके लाइफ में आती है, उसके मैनिफेस्टेशन का पावर कहाँ पे, या फिर डिसीजेस कौन कौन सी चीजें लाती है, तो उसका नॉलेज इसमें ज्यादा। Okay, so it is very important to become a graphologist because I would want me to become a graphologist. No, it is very important if you want to stamp your authority on people. ठीक है? ये graphologist तो आप ये अपना mastery course में भी हो जाते हो, आपका आप सब हो जाता है, लेकिन आपको ना क्या चौका मारने का है, सिक्सर मारने का है, सेंचुरी तो अभी भी बना लोगे, लेकिन अभी राहुल द्रविड़ वाला सेंचुरी रहेगा और वो जो दूसरा जो क्रिस गेल वाला सेंचुरी रहेगा कि सिर्फ छक्का मार रहे हो, है ना, तो वो अलग बात, तो वही डिफरेंस है। बाकी ये कोर्स अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए हम जो ज्यादा पूछ भी नहीं करते आप लोगों को कि आप वो कोर्स करो, जिनकी इच्छा है कि ओवर डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो दोस पीपल गो फॉर ग्रैंड मास्टरी कोर्स। यस सर, सर बोलिए ना। हाँ, अभी हमने ग्राफोलॉजी का ग्रैंड मास्टर कोर्स का भी फीस भर दिया है, अब अगर हमको न्यूमरोग्राफोलॉजी करना है तो उसका भी श्रद्धा से बात करके हम पूछे क्या? Yes, you can go for that. Okay. और ये वापस से लाइव क्लास होने वाला है 1 महीने के बाद, दिस वर्स अपना न्यूमरोग्राफ, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे लाइव क्लास में। यानी लाइव यानी किस तरह से? लाइव ऐसे मतलब जैसे अभी बैठे ना, ऐसे में वापस से हम लोग सिखाने वाले हैं। अच्छा, ओके। So what is the charge of numerograph? वो अलग से बताते हैं हम लोग, अभी नया बैच का हमने चार्ज डिसाइड नहीं किया, but it will be displayed soon. अभी एक नया launch हो जाएगा, उसके लिए काफी ज़्यादा लोग interested हैं, तो after 1 month we will be teaching that numerograph for life. सर ये ग्रैंड graphology क्या बोल रहे हो? जिसने graphology किया है तो उसको सिर्फ numerology का वो आएगा ना? नहीं, उसमें कैसा है वो कोर्स में, अगर किसी और को बाहर के इंसान भी को भी वो हमारा numerograph करना होता है ना, तो he has to enroll for the graphology, वो compulsion है हमारे। तो हमने graphology कर लिया है, तो सिर्फ हमको वो numerology का ही करना पड़ेगा, right? नहीं, वो numerograph करना पड़ेगा। अब fees numerograph का ही fees है, जो बाहर के लोग आते हैं उनको ये graphology का course का fee extra pay करना पड़ता है। Okay. Excuse me sir. हाँ हाँ बोलिए। ये अभी अभी जो आप ग्रैंड मास्टर के लिए बता रहे थे, तो ग्रैंड मास्टर एंड न्यूमरोग्राफोलॉजी दोनों में अलग है? बहुत अलग है। देखो ग्राफो हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट ग्राफो न्यूमरो इज, जस्ट कैन यू रेज योर हैंड सो दैट यस कैन आई हैव 5 मिनट्स, क्योंकि मैं तो 6:30 का हमने टाइम रखा था। हाउ मेनी ऑफ इंटरेस्टेड इन नोइंग? यस सर, बहुत कम लोग है। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। ओके ग्रेट। सो ये क्या है तो बताइए, जब भी आप ना बाहर के न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हो तो वो आपके नाम में ना वो ए बार चेंज कर देते, बी चेंज कर देते, आई अलग डाल देते, राइट? है ना? तो जैसे अभी किरण जी का नाम है तो उनका क्या कर देंगे, के आई आर डबल ए एन। तो अगर डबल ए एन हो जाता है तो क्या इनका नाम बदलता है? क्या हमको फोन करके आप बोलोगे किरण, क्या बोलोगे किरण? यू विल से किरण, राइट? यू विल नेवर से किरण। तो technically there are only 2 ways of creating vibration. One is by saying, uttering. आप जो बोलते हो तो vibration का creation होता है, that is one way of creating vibration.
Now, second way of creation, second vibration is by having a form. जो आपके आजू बाजू में फिजिकल फॉर्म्स है वो भी वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं. जैसे आप स्वस्तिक बनाते हो, आप कुछ लिखते हो, या आपके आजू बाजू में कुछ आप मूर्तियां रखते हो, दोज ऑल्सो थिंग विल क्रिएट वाइब्रेशन. सो फिजिकल फॉर्म और द साउंड, देर आर ओनली टू वेज. तो यहाँ पे जो आप सिग्नेचर करते हो उसका फॉर्म बदल के हम लोग नए नंबर्स का क्रिएशन कर सकते हैं. जैसे शाहरुख खान का जो सिग्नेचर है, उनकी सिग्नेचर में चार नंबर एक्टिवेट होता है. और चार नंबर किस किन चीजों का प्रतीक है? चार नंबर है राहु का प्रतीक है. ठीक है, इसीलिए जो शाहरुख खान है वो राहु से प्रभावित है. वो मतलब सिगरेट बहुत पीते हैं, जो धुएं का कारक है, अगेन राहु हो गया. वहां पे उनका वो वर्कहोलिक नेचर के, अगेन राहु हो गया. उनके गवर्नमेंट के साथ पंगे होते हैं, अथॉरिटी के साथ पंगे होते हैं, अगेन राहु हो गया. और वही पिक्चरें चली है उनकी जिसमें उनका नाम राज है या फिर राहुल है. समझ रहे आप लोग? तो ये पावर है सिग्नेचर में नंबर को एक्टिवेट करने का. तो हम लोग अलग अलग तरीके से सिग्नेचर में अलग अलग नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं. ये हम ग्राफो न्यूमर में सिखाते हैं. वो पे सिग्नेचर पे ही होता है सर, ओनली सिग्नेचर नहीं, लेटर्स में भी रहते ना, जानते हो, लेटर में भी नंबर छुपे हुए, अलग अलग लेटर में अलग अलग नंबर है. तो हम लोग वो भी सिखाते कि ये लेटर जो है ग्राफोलॉजिकली, देखो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बी लेटर है जो नॉर्मली दो की वैल्यू बताता है, लेकिन लेकिन जब वो ग्राफोलॉजी में अलग तरीके से लिखते हो तो उसका नंबर चेंज हो जाता है. तो वो हम बताते हैं. द वे यू राइट आल्सो बेसिक बेसिक जो न्यूमरोलॉजी ए इज 1 2 बी इज 2 वो ग्राफोलॉजी न्यूमरो में अलग कांसेप्ट है सर. अलग कांसेप्ट है, मतलब एम जो है वो अलग तरीके से लिखोगे तो नंबर 2 एक्टिवेट होता है, और अलग तरह से नंबर लिखोगे तो नंबर 3. अच्छा, आप हैंडराइटिंग ही चेंज करवा दोगे, वो खाली सिग्नेचर में ही, रेगुलर में सिग्नेचर में होगा, हैंडराइटिंग में होगा, डिपेंड्स किसकी किस चीज की आपको जरूरत है. उस कोर्स में हम ये भी सिखाते हैं कि कौन सा प्रोफेशन आपने चूज करना चाहिए, वो प्रोफेशन में किस तरह से करना चाहिए, और मतलब कब करना चाहिए. ये भी हम उस कोर्स का एक पार्ट है. उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी एक पार्ट है कि कौन से मोबाइल नंबर से कौन से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं. So it is a different kind of course, grapho numero, जो कि एक महीने के बाद चालू होगा. So if you want, you can go for that as well. हाँ, thank you. मैंने किया है, sir. मैंने numero अपना numero grapho किया है. हाँ. तो but attend नहीं किया बहुत सारे lectures. आपको ना आपको आपका luck ऐसा है कि मैंने जितने भी हमारे grapho numero हुए ना सबका access आपको दिया गया. आप हर एक को देखो ना, हर बार हमने अलग बातचीत की हुए. और हमने depth में समझाया. तो जिन लोगों ने वो किया है और पूरे वापस कोर्सेज के ना, दे आर डूइंग वेरी गुड विद दिस. स्पेशली सुनीता गुप्ता जी ने ना एक सिंपल रेमेडी दिया उनके एक, आप सभी लोग सुनीता गुप्ता को जानते हो, अपने स्टूडेंट ही है. तो उनके एक रिलेटिव है, वो परफ्यूम बेचते थे, और परफ्यूम ना बहुत डिस्काउंटेड रेट पे बेचते थे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे. इनफैक्ट फ्लिपकार्ट में बाकी लोग इनकी कंप्लेंट करते थे कि ये लोग ना तो रेट तोड़ के बेचते, तो हमारा बिकता नहीं. और इनका था कि हम लोगों ने ज्यादा रेट दिया तो हमको कोई हमारा कोई माल खरीदेगा नहीं. फिर इन्होंने वो ग्राफो न्यूमरो में उनका चार्ट बनाया और उनको बोला कि आप जो है ना वो गलत कर रहे, अगर आपने इसको महंगा बेचा तो ये ज्यादा बिकेगा आपका. तो बोले हो ही नहीं सकता ऐसे. एंड उन्होंने ट्राई किया और उनका भी माल बहुत ज्यादा बिकता है. दैट इज अ ब्यूटी कि कुछ लोगों ने सस्ता बेचना चाहिए, कुछ लोगों ने महंगा बेचना चाहिए, कुछ लोगों ने अपना फोटो यूज करना चाहिए, कुछ लोगों ने अपना फोटो नहीं यूज करना चाहिए. तो उसका जो नॉलेज है वो आपको हम लोग ग्राफो न्यूमरो में देते हैं. आशिमा जी आपने किया है ग्राफो न्यूमरो? सर यस, मैंने सर उसके बाद से सारे मेरे से मोबाइल नंबर्स आके पूछते हैं. मेरे घर में इतने सारे लोगों के मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए एंड दे आर रियली हैप्पी. मुझे अभी लास्ट मैंने लास्ट थर्ड बैच किया था, उसके बाद से सर मैं मोबाइल नंबर्स ही चेंज कर रही हूं. मुझे तो आप एंड सर ये कोर्स वाकई बहुत अच्छा, उसी वजह से आई जॉइंड ऑल दी अदर, मतलब मैं उसके बाद से तो जॉइन कर रहा था. ओह वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. चलो अच्छा है, और असर भी दिख रहा होगा वो मोबाइल नंबर चेंज. यस सर, वो तभी तो सर एक चेंज करवाने आता फिर अगला उसका भाई आ जाता है कि मेरा भी चेंज कर दो. आई होप यू आर चार्जिंग. या देन दिस इज ऑसम. ठीक है, धवल भटजी ने भी किया है एंड दिस इज अमेजिंग कोर्स टू डू. सर वो लाइव कोर्स होगा ना सर ग्राफोनियम? हाँ, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग अभी ले लो, बाद में यू कैन जॉइन लाइव एज वेल. एंड हाउ लॉन्ग? इट्स अ 10 डेज कोर्स अगेन.
अगेन 10 days कोर्स. ओके ओके. पर सर मोबाइल नंबर्स में ना अभी इंटरनेशनल कॉल्स का नहीं हो पाता. वो भी मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने उसमें डाला था ग्रुप में. आई थिंक सर बैंक 3 जैसे बैंकॉक के 9 नंबर्स हैं टोटल. इट्स ओके. आप जो ये क्वेरी है ना मुझको ऑफलाइन पूछो, मैं आपको बताता हूँ. मैंने ऑलरेडी दुबई में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए. तो पेयर्स तो बनेंगे नहीं सर 9 नंबर्स में. अच्छा, वी विल हैंडल, वी विल हैंडल. ओके, मैं बता दूंगा आपको कैसे. ठीक है, तो आपको वो नंबर भी आएंगे फिर. नो, पहले बोलना था ना, मैंने कितने लोगों दुबई है, यूके है, यूएस है, नंबर्स दिए हम लोगों ने आपको. तो चलो, नॉट एन इशू. चलिए फिर, आप में से आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड, सो दैट पर्सन विल कॉल. आपको बता के रखो. यस सर, आई एम जॉइनिंग रिस्ट वॉच एंड न्यूमरो ग्राफोथेरेपी. ओके, हाथ खड़े कर दो आप, मैं आपका फोटो ले लेता हूं. तो श्रद्धा विल कॉल यू एंड शी विल गिव यू द डायरेक्शंस. आई हैव अ नंबर. ओके फाइन. चलिए फिर, लेट्स मीट एट 9 o'clock टुडे. बी प्रिपेयर्ड. थोड़ा सा आज रिवीजन होगा जोन्स का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन टू लर्न. ठीक है, डोंट मिस. आज 9 o'clock आप सब लोग आइए. नीलेश जी आप भी 9 o'clock आइए. बहुत अमेजिंग क्लास होने वाला आज का. आप डोंट मिस टुडेज क्लास. ओके सर, मैं भी आ जाऊँ क्या एक बार? मैं रश्मि जी आपको बोला है, आ जाओ. सर आज तो मैंने सोचा था नहीं आऊंगी, लेकिन अभी आपने बोला कि अमेजिंग है तो आना ही पड़ेगा. आप हमारा हर सेशन अमेजिंग होता है, आप कैसे मिस कर सकते हैं? हाँ सर, वो बात तो सही है. That's true. Please come. Today's session are going to open lot of locked doors in your mind. Okay. See you then. Bye bye. Let's meet at 9 o'clock. Okay. Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir.